Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? मैंने रघु को सब समझा दिया है, जब जो जरूरत हो उससे कहना। रघु, 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 तू क्यों? रघु कहाँ है? रघु चाचा, रघु चाचा को मैंने एक किताब खरीदने दुकान भेजा है। कह देना मैं दुकान गया। अच्छा ठीक है। देखे ना बड़े साहब, छोटे साहब की शरारत देखे ना। सुलाते वक्त इन्होंने मुझसे क्या कहा है पता है? अगर मैंने कुछ कहा तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। मुझे बुखार है ये जानने के बाद आप दुकान ही नहीं जाएंगे। ये तो ठीक ही कह रहा है। आप इस हालत में बाहर क्यों निकले? बाहर क्यों निकला? बड़े साहब, आप जब इतने छोटे थे, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, तब मैं इस घर में नौकर बन के आया था। मेरे सामने ही आप बड़े हुए। आपकी कितनी धूमधाम से शादी हुई, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहुरानी इस घर में आई। उसके बाद एक दिन आपके पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए। सब देखा है मैंने, देखा है मैंने। आप जब दुकान में जाते थे तब बहुरानी सब काम छोड़कर दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर कहती थी, जय माँ जय माँ। ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़े साहब, बड़े साहब, अगर मेरी शादी हुई होती तब हो सकता था बिल्कुल आपके जैसा ही मेरा भी एक बेटा होता। बाप होकर अपने बेटे के लिए 10 कोस नहीं, 2 कोस नहीं, बुखार में 2 कदम भी चलकर नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं। चलिए, जो कहना है कहिए और चुपचाप जाके सो जाइए। कहिए और चुपचाप जाके सो जाइए। अरे मैं सो गया तो इस परिवार को कौन संभालेगा? अरे देखो, मैं असली बात तो कहना भूल ही गया। इस परिवार को संभालने के लिए मैंने एक इंतजाम किया है। ओह, घर में नई बहुरानी आने वाली है क्या बड़े साहब? रघु चाचा भी ना। सुनिए, आप तो जानते हैं कि मेरी एक दीदी शहर में रहती है। हाँ हाँ, वही जो बहुत ज्यादा बकबक करती है ना। हाँ हाँ हाँ, उनका तो बिल्कुल शिव जी की तरह सीधा साधा पति है ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे जीजा जी का एक पैर ट्रेन दुर्घटना में कट गया है। हाँ? ये क्या? शहर की एक प्राइवेट कंपनी में मेरे जीजा जी काम करते थे, लेकिन अब तो वो नौकरी पर भी नहीं जा पाते हैं और जमा पूंजी भी कुछ नहीं है। 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पर सुना है कि सरकार से कुछ मदद मिलेगी। दीदी की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैंने उसे यहीं आकर रहने के लिए कहा है। कल टेलीग्राम मिला, आज शाम को ही वो लोग आ रहे हैं। ये तूने गाड़ी लाकर कहाँ खड़ी कर दी? मैं उतरूंगी कैसे? पूरा कीचड़ भरा हुआ है। कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है,
बारिश की वजह से पूरे गांव का यही हाल है। बारिश को भी बरसने का समय नहीं मिला। आप आ रही है ना, शायद ये खबर ऊपर वाले को मिल गई होगी। चुप रह। हमारे घर में एक नौकर था, उसका क्या नाम है? वो रघु। वो कल मुहा मर गया या जिंदा है? मरा नहीं है, लेकिन अब आप आ गई है ना, अब मर जाएगा। क्या कहा तूने? नहीं मतलब मैं एक हट्टा कट्टा आदमी, आपको स्टेशन से यहाँ तक लाते लाते पीठ में घुसा खाते खाते एकदम से अधमरा हो चुका हूँ। रघु भैया की तो वैसे भी बहुत उम्र हो चुकी है, एक दो घुसे में ही। चुप रह, उतर के देख वो हरामजादा कहाँ है। वो रहे, वो देखिए आ रहे हैं। प्रणाम बुआ जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। तबीयत तो ठीक है ना? चुप रह, नाटक करने की जरूरत नहीं है, इतनी देर बाद आकर नाटक कर रहा है। ए, हमारे उतरने की व्यवस्था कर। कैसे मैं उतारूं? हरामजादे की बात तो सुनो, मैं कैसे उतारूं? जा कुछ ईंटें बिछा दे। ओ, हाँ। क्या हुआ? चप्पल को पैर से खोलकर एक सूखे जगह पर रखो, अगर कीचड़ लग गया तो चप्पल खराब हो जाएगी। क्या हुआ, खोलो। ये क्या किया? शिक्षा दी। शिक्षा? मैं गांव के स्कूल का हेडमास्टर हूँ। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों को शिक्षा देता हूँ। छुट्टी के बाद निकल पड़ता हूँ, रास्ते में जो अनपढ़ जाहिल मिल जाते हैं उन्हें भी शिक्षा देता हूँ। बुखार लेके यहाँ क्यों आए हैं? जाइए अंदर, जाइए जाइए। ये लोग उतरेंगे, कुछ ईंटें बिछा देता हूँ, उसके बाद सामान भी तो उतारना पड़ेगा। क्यों, ये लोग कहाँ के लाट साहब है? और फिर अंदर तो एक जवान छोकरा बैठा हुआ है, जो करना है वही करेगा, आप चलिए। लेकिन मतलब बड़े साहब अगर गुस्सा करेंगे? नहीं तो? गुस्सा नहीं करेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा, चलिए। हाँ चलिए संभाल के। ये हरामजादा कौन है रे? सुना नहीं आपने? गांव के स्कूल के मास्टर हैं, मालिक के बेटे को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मालिक भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा भाई भी पागल है, तारीफ करने के लिए और कोई नहीं मिला। नहीं तो तुम आ गई हो, अब देखना। चुप रहो, सुनो, अपनी आंखों से जो देखा है मेरे भाई को वही बताओगे? उस मास्टर को मैं आज ही निकालूंगी। ठीक है, जो देखा है वही कहूंगा। क्या कहोगे बताओ? यही कहूंगा, इतने दिनों से जो सबको परेशान करती थी, वो गांव में आते ना आते गांव के मास्टर ने उसे परेशान कर दिया। चुप रहो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कहना है मैं ही कहूंगी, तुम मेरी जिंदगी के विभीषण हो। ए उतरो सब, उतरो। पैर में पूरा कीचड़ लग गया मेरे। छी छी छे। पैर गंदा हो गया उसके लिए इतनी तकलीफ, मन तो पहले ही से गंदा हो चुका है। क्या कहा? कह रहा हूँ पैर की गंदगी तो धोने से ही साफ हो जाएगी, और मन की गंदगी उसे गांव का मास्टर ही साफ करेगा। ये सब बकवास बंद करो, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों, जो कहना है अभी कहो ना। नहीं अभी तो तू दुकान से इतनी मेहनत करके लौटा है, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम वाराम कर ले, उसके बाद। नहीं नहीं मेरी फिक्र मत करो, जो कहना है कहो। अच्छा भाई, तूने मुझे अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए बुलाया है ना? उल्टा कह रही हो, बिल्कुल उल्टा कह रही हो। इन्होंने तुम्हें बुलाया है अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि वो तुम्हारे टूटे हुए परिवार को जोड़ सके। फिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं तुम जुड़े हुए को तोड़ रही हो और टूटे हुए को जोड़ रही हो, इसलिए। चुप रहोगे? दीदी तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मैं कह रही हूँ अपनी गृहस्थी को छोड़कर इतनी दूर से, जब तेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, तब तू भी तो यही चाहेगा कि मैं जिस तरह से चलाऊंगी इस परिवार को उसी तरह से चलना चाहिए। हाँ, वैसे ही तो चलेगा। मैं जानती थी कि तू यही बात कहेगा। सुन तुझे पहले से ही एक बात कह देती हूँ, कल ही मैं इस घर से किसी को निकालना चाहती हूँ। किसे? तुम दोनों को। कल से तरुण के साथ मैं तुम दोनों को भी पढ़ाऊंगा। सुबह 7 बजे कॉपी किताब लेके यहाँ चले आना। इतनी सुबह उठने की आदत हम लोगों को नहीं है। सोने की जगह जब तुमने बदल ली है तो उठने की आदत को भी अब बदल लो। आप जैसे गांव के मास्टर के पास हमें नहीं पढ़ना है। बिट्टू भैया
तुम मेरे मास्टर जी से थोड़ी इज्जत से बात करो। इनके साथ तो बात मत कर भैया, माने मामा को सब बता दिया है। देखना कल से इनको ही इस घर में घुसने देते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है आज रात के अंदर ही इनका हिसाब किताब मिटाकर मामा इनको निकाल देंगे। मामा बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। हाँ ठीक ही कह रही हो दीदी, मैं खुद कोई अन्याय नहीं करता, इसलिए कोई और अन्याय करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम लोग आज ही आए हो इसलिए मैंने रीना को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर इसके बाद भी रीना ने मास्टर ने रीना की चप्पल कीचड़ में फेंक दी और फिर भी तू कह रहा है कि उसने कोई अन्याय नहीं किया। हाँ किया है, उन्हें तो तुम्हारी बदतमीज बेटी को उठाकर कीचड़ में फेंक देना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं करके सिर्फ उसकी चप्पल कीचड़ में फेंकी। इसका मतलब उस मास्टर की बात हमें मानकर चलनी पड़ेगी। हाँ, गांव के हजार हजार लोग जिनका सम्मान करते हैं, मैं जिनका सम्मान करता हूँ, इस घर में रहने के लिए मास्टर जी और रघु का, तुम लोगों को भी सम्मान करना पड़ेगा। रघु का मतलब उस नौकर का? हाँ हाँ, उस नौकर का भी। अगर वो नहीं होते तो मेरा परिवार नहीं होता, मैं भी नहीं रहता, यहाँ तक मेरा बेटा भी नहीं रहता। मैं तेरे इतने नियम कानून मानकर इस घर में नहीं रह सकूंगी भाई, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। इतना अपमान होने के बाद भी कल सुबह तक इंतजार करना क्या ठीक होगा? सामान वामान, बेडिंग, सूटकेस, अभी तो कुछ खुला भी नहीं है। चलो अभी इसी वक्त निकल पड़ते हैं, रघु को बुलाऊं? उसे बुला कर क्या होगा, उसने सामान तो गाड़ी से उतारा ही नहीं, हमें ही उतारना पड़ा। तुम्हें घर में आते हुए देखकर उसने सामान नहीं उतारा, जब सुनेगा कि तुम इस घर से जा रही हो, मतलब जाना चाहती हो, वो मोहल्ले के लोगों को लाकर सारा सामान सर पे उठाकर स्टेशन तक पहुंचा देगा। चुप रहो, रघु के ऊपर गुस्सा करके भाई को तो इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरा कितना प्यारा छोटा भाई है, रघु को मैंने माफ कर दिया, फिर भी रघु को देखो, इतनी दूर से आई हूँ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहाँ थोड़ा सा चाय नाश्ता ला कर देगा। लेकिन नहीं, तुम तो पहले भी इस घर में 3-4 बार आ चुकी हो। हाँ तो क्या हुआ, जाओ रसोई घर तो पहचानती ही हो, इस सुखी परिवार में आग ना लगा कर जाकर चूल्हे में आग लगाओ। देख रही है ना बुआ जी, आज चूल्हा जलाने में थोड़ी देर हो गई, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मैंने ऊपर में 2 कमरे साफ करके रख दिए हैं, आप लोग चल के बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। चाय नाश्ते में क्या लाएंगे? हा? वही गरम गरम पूड़ी और आलू दम। रविश, वो सब हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए चिकन कटलेट बनाइए। क्या नाम बताया? चिकन कटलेट। मर गया, अब ये क्या होता है बुआ जी? पढ़ाई लिखाई से भाग के दोनों भाई बहन यहाँ आके चिकन कटलेट खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो खाना चाहते हो उस चिकन कटलेट की स्पेलिंग क्या है बताओ तो? अगर चिकन कटलेट की स्पेलिंग तुम दोनों ने बता दी तो मैं अभी शहर जाके 1 दर्जन चिकन कटलेट लाके तुम दोनों को खिलाऊंगा। चलो बोलो बोलो बोलो। अच्छा चिकन सी ए मतलब तुम बोलो बोलो। एक दर्जन का आधा हो गया, एक भाग गई। खैर तुम बोलो। अरे हाँ सीके सी ए के सीके मतलब। अच्छा सुनिए, आप पूरी आलू दमी ले आइए हैं। बेवकूफ। बुआ जी, क्या आप भी वो चिकन कटलेट खाएंगी? नहीं बाबा, मैं ठहरी एक अनपढ़ गवार, अंग्रेजी नाम वाला खाना खाऊंगी कौन से मुंह से? मुझे जिसकी स्पेलिंग आती है वही खाऊंगी। प में बड़ियों की मात्रा पू, र में बड़ी की मात्रा री, पू री। ठीक है ठीक है, मैं भी अपने कमरे में ही हूँ रघु, बन जाए तो भेज देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे बाप रे, स्पेलिंग बता के खाना खाना पड़ेगा? लात मारती हूँ ऐसे स्पेलिंग वाले खाने को। अच्छा मास्टर साहब, अच्छा वो चिकन कटलेट बनाने के लिए
क्या क्या सामान लगता है? वो आपका काम नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। कर पाऊंगी रे, कर पाऊंगी। उस मास्टर को एकदम कटलेट बना के चबा चबा कर खाऊंगी। बस थोड़ा सा समय ही लगेगा, और कुछ नहीं। ये तुम लोगों के मामा का घर है, तुम्हारा जो दिल करे तुम लोग वही करना, जो खाने का मन करे वही खाना। सिर्फ मेरी बात मानकर तुम लोगों को चलना पड़ेगा। बचपन से तो हम लोग आपकी ही बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज चिकन कटलेट ही नहीं मिला। पहले मुर्गी तो कटने दे, तब तो कटलेट खाएगा। है? हमें क्या करना पड़ेगा, मुर्गी पकड़नी पड़ेगी। हाँ, मुर्गी पकड़नी पड़ेगी। और इस घर में मुर्गी है वो तरुण, मेरे भाई की गैर मौजूदगी में वही तो इस संपत्ति का मालिक बनेगा। हमारा पहला काम होगा उस मुर्गी को पिंजरे में बंद करना। लेकिन उस मास्टर ने तो हमें ही मुर्गी बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया। सुन, अभी छटपटाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कल सुबह सूरज के निकलते ही हम लोग तीनों ही बदल जाएंगे। हा? अरे ये क्या, अरे बुआ जी, अरे मेरे रास्ते आप, अब ये देखो बुखार बढ़ गया था, इस वजह से उठने में थोड़ी देर हो गई। तो तुझे यहाँ इस हालत में आने के लिए किसने कहा है रघु? मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरे भाई का परिवार मतलब मेरा ही परिवार, अरे इस परिवार को तो अब मुझे ही संभालना होगा। मैं क्या कुछ रोटियाँ बना दूँ माँ? नहीं, तुम रघु को ले जाकर लिटा दो और इसका सर दबा दो। चलिए रघु चाचा। कल गलती से मैंने आपको चप्पल खोलने के लिए कहा था, इसीलिए क्या आप मुझे आपकी सेवा नहीं करने देंगे? मर गया, मैं कह रहा था कि मैं। तू कुछ नहीं कहेगा रघु, तेरी मालकिन जिंदा नहीं है पर मैं तो जिंदा हूँ। अगर छोटे ही बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। ए, जा तो लेकर जा। तेरे भैया कहाँ है? तरुण भैया के घर में अभी अभी मास्टर जी आए हैं, भैया वही गए हैं। तुम? चिकन सीयूटी कट एलिटिलेट कटलेट चिकन कटलेट। अरे आओ यहाँ बैठो। मैं बहुत खुश हूँ, आज शाम को ही मैं तुम्हें चिकन कटलेट लाके खिलाऊंगा। मैंने चिकन कटलेट खाने के लिए ये स्पेलिंग नहीं सीखी है मास्टर जी। तो फिर आप अगर मुझे माफ करके तरुण के साथ आज से मुझे भी पढ़ाएं। तुम्हारी बहन कहाँ है? रघु, ए रघु, पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मामा। क्यों? मामी की बातें हमेशा याद आती है, मामी की बातें याद आती है तो बहुत तकलीफ होती है, रोना आता है। अच्छा अब चुप हो जा, रो मत। मामा आप भी बहुत बदल गए हैं, इस घर की कोई खबर ही नहीं रखते। क्यों, अब क्या हुआ? रघु चाचा भले ही घर के नौकर है लेकिन इंसान है ना, इस बुखार में वो काम करेंगे और हम ऐसा करने देंगे। तो फिर खाना कौन बनाएगा? क्यों, खाना तो माँ बना रही है। हाँ, तो फिर और मुझे कोई चिंता नहीं। तुम लोग एक ही दिन में अपनी गलती का एहसास करके इतने बदल जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मामा एक बात बोलूं? हाँ बोल। आज स्कूल के मैदान में राम वनवास नाटक होने वाला है, मैंने माँ से कहा तो वो बोली आपसे बिना पूछे घर से मैं कहीं बाहर ना निकलूं। ठीक है, मैं तुम लोगों के इस बदलाव से बहुत खुश हूँ, मैं तरुण से अभी कह देता हूँ।
क्या हुआ? हाँ? अरे उठ, हाँ? उठ उठ। नाटक देखने तो आ ही नहीं रहे थे और अभी जाना ही नहीं चाहते हो? सीता के लिए इतनी तकलीफ हो रही है ना, रोज प्रतिदिन आती थी। एक छोटी सी लड़की, इतनी सुंदर, उसे रोते हुए देखकर मुझे भी पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। अरे बुद्धू, वो क्या सच में रो रही थी क्या? ये तो नाटक है। क्या कोई झूठ मूठ का रो सकता है? वो लोग रो सकते हैं। स्टेज में सीता इतनी देर रो रही थी ना, अब ग्रीन रूम में जाके देख, जो पानी उसके आंखों से निकल रहा था अब उसी पानी से वो पैसे गिन रही होगी और खुशी से हंस रही होगी। इतनी बुरी तरह रोने के बाद कोई हंस सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर यकीन ना हो तो ग्रीन रूम में जाके अपनी आंखों से खुद ही देख ले। जाऊं? नहीं, नहीं जाओगी। लेकिन आपने तो कहा था आज के नाटक के बाद आप मुझे 1000 रुपए और 3 दिन की छुट्टी देंगे। हाँ, कहा था। तब मैं थोड़ी ही जानता था इस नाटक को देखने के बाद 3 नाटक का एडवांस पहले ही मिल जाएगा। लेकिन मुझे कल एक बार घर जाना ही होगा। क्यों? कल ही क्यों जाना है? आप तो जानते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस उम्र में मैं क्यों नाटक मंडली में शामिल हो गई। 7 दिन पहले मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने घर गई थी। वापस आते वक्त मैंने देखा घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है और पापा की जो दवाइयां चल रही है वो 3 दिन में खत्म होने वाली है। आप ही बताइए ना, जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उन्हीं का अगर ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। ठीक है, जैसे तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए चिंता है वैसे मुझे भी चिंता है। मैं तो कोई गैर नहीं हूँ। ये लो, एक काम करो, इसमें अपने पापा का नाम, गांव, पोस्ट ऑफिस सब लिख दो। मैं राजू गोपाल के हाथ से कल ही तुम्हारे घर में 1000 रुपए भिजवा दूंगा। राजू गोपाल जी तो कभी मेरे घर नहीं गए हैं, आप पहचान पाएंगे मेरा? अरे मैं नाटक दल का मैनेजर हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर पता रहा तो घर ढूंढना, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा। लो अपने घर का पता लिख दो। आप जब पैसे देने जा ही रहे हैं तो मैं एक चिट्ठी लिख दूं, पापा को दे दीजिएगा। ठीक है, जल्दी लिखो, रात हो रही है। याद से दे दीजिएगा, भूलिएगा मत। कल घर नहीं जा रही हो लेकिन 3 दिन बाद तो जाओगी हैं? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, बाकी के कलाकार सब रेडी हो चुके हैं, बस छूटने वाली है, जाओ। ठीक है। दे चिट्ठी और पैसे दोनों दे। सुन, कल सुबह उठते ही शहर चले जाना, वहाँ जाके कहना कि यहाँ लगातार 3 दिन का एडवांस मिल चुका है, बोलो अगले नाटक का एडवांस 3 दिन बाद ले। तो फिर चिट्ठी और पैसे? वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। क्या रे, यहाँ क्यों खड़ा है? नाटक देख रहा था। नाटक? यहाँ कहाँ नाटक हो रहा है, नाटक तो कब का खत्म हो चुका है? उस नकली नाटक के खत्म होने के बाद यहाँ एक असली नाटक शुरू हुआ था जिसका दर्शक सिर्फ एकमात्र मैं था। अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो नाटक की शुरुआत में बहुत अच्छा ही लग रहा था। नाटक की शुरुआत में यहाँ देख के जा रहा हूँ, अंतिम भाग घर में देखूंगा। मुकुंद चौधरी, ग्राम पोस्ट ऑफिस जगत बल्लभपुर, जिला हावड़ा। बड़े साहब के पास मेरे कुछ रुपए जमा है, मांगने से 1000 रुपए तो यूं ही दे देंगे। बाकी बात ये नहीं है, बात ये है कि शहर जाकर रुपए पहुंचाएगा कौन? आप जाएंगे। मैं? हाँ,
कल उसकी बातों से मैं समझा कि वो राजू गोपाल उसी घर में पहले नहीं गया है। मतलब आप राजू गोपाल बनकर चिट्ठी और रुपए उसके पापा को दे आइए। पैसे भेजे? जी हाँ। आप बैठिए। ठीक है ठीक है। और आपको ये चिट्ठी देने के लिए भी कहा है। नमस्ते पापा, हमारी मंडली के मैनेजर राजू गोपाल जी के हाथों मैं पैसे भेज रही हूँ। दाल चावल और अपनी सारी दवाइयाँ मंगा लीजिएगा। मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको और माँ को मेरा प्रणाम। आपकी रूपा। सुनती हो, उसके लिए चिंता करने को मना किया है। कहती है वो ठीक है, वो कहती है वो ठीक है। वो अपने माँ बाप को दो वक्त का खाना खिलाने के लिए दवा लेके मैं अपने घर में चैन की नींद सो सकूं, इसलिए वो बेचारी रात दिन जाग कर आज यहाँ कल वहां मारी मारी फिर रही है। उसने लिखा है, लिखा है वो ठीक है। पता है राजू गोपाल जी, मैंने पिता होके उसकी रातों की नींद छीन ली है। एक छोटी बच्ची की मैंने खुशियां छीन ली मेरे लिए उसने। इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? अचानक से तुम्हारा कारखाना बंद हो गया तो इसमें कितना अच्छा गाती थी। आपके नाटक में भी तो गाती है, सुना है ना आपने? कहिए ना कितना अच्छा गाती है। नहीं ये बात सही है। सुनती हो, वो एल्बम ले आना ताकि राजू गोपाल जी भी देख लें स्वर्ग से किस नरक में मैंने उसे धकेला है। सुना है आप लोगों के राम का वनवास नाटक में वो सीता बनती है। मैंने वो नाटक तो देखा नहीं है, पर मुझे पता है वो सीता के किरदार को अच्छी तरह से निभाएगी। रामायण की सीता जन्म दुखियारी और मेरी बेटी भी वही है। आप लोगों के नाटक में असली जिंदगी और नाटक दोनों एक साथ मिलकर जरूर एक हो गए होंगे। ये लो, ये देखिए। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये पिछले साल हमारे गांव के मैदान में लड़कों के स्कूल और लड़कियों के स्कूल के बीच में एक गाने की प्रतियोगिता हुई थी। वही अंताक्षरी की तरह। ओह, क्या गाना गाया था उसने उस दिन, और काफी गांव वाले मौजूद थे उस दिन। आस पड़ोस के गांव से कितने लोग आए थे उस दिन। सुनो, अहिल्या है असती, रोते रोते बोले नारी दोष मेरा क्या बोलो, दो बार घर जग में आई दोष मेरा क्या बोलो, सच्चाई क्या इसके पीछे बोलो जरा बोलो, सच्चाई क्या इसके पीछे बोलो जरा बोलो, हाथ जरा सा दिल पे रखे बोलो ना तुम बोलो, अरे हाथ जरा सा दिल पे रखे बोलो ना तुम बोलो। पुरुष सारे के सारे ही मतलबी, पुरुष होते मतलबी सारे के सारे, अहिल्या एक महासती माने रे सब माने, मानो या ना मानो चाहे सच है दो बातें, मानो या ना मानो चाहे सच है दो बातें, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। आप ही कहिए अहिल्या सती है या नहीं,
पति बोला अहिल्या तुम सती हो कि नहीं, क्या कहती बेचारी वो चुपचाप रही। शिष्य होता बेटे जैसा हाँ कि ना तुम बोलो, शिष्य होता बेटे जैसा हाँ कि ना तुम बोलो, हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो, अरे हाथ जरा सा दिल पे रख के बोलो ना तुम बोलो। पति भी पुरुष शिष्य भी पुरुष, पति पुरुष शिष्य पुरुष दोनों ही मिलके कलंकी का लिख लगा शिला बना दी मुझे। जीवन सारा काटा तूने नारी के सहारे, जीवन सारा काटा तूने नारी के सहारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। बहुत दोष है, असल में तो है अहिल्या दोषी हर कोई जाने, ऐसी नारी को बोलो हम सती कैसे माने। सती कैसे हुई अहिल्या कैसे हुई लोगों, सती कैसे हुई अहिल्या कैसे हुई लोगों, हाथ सारा सा दिल पे रखे बोलो ना तुम बोलो, अरे हाथ सारा सा दिल पे रखे बोलो ना तुम बोलो। अरे पुरुष तो हमेशा ही अपनी ही तारीफ करते हैं, तुम सब पुरुष सुनो खुद की तारीफ करते, कालिक लगाते तुझे पे और चलते बनते, कलंक छोटा क्यों लगाया अहिल्या पे तूने, कलंक छोटा क्यों लगाया अहिल्या पे तूने, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। साबित होता है अहिल्या का चरित्र पूरा ठीक नहीं, साबित हुआ इससे यकी मानो या ना मानो। हाँ सती नहीं थी वो नारी गर तुम मेरी मानो, पति छोर इस नारी का नाता था तुझे से, पति छोर इस नारी का नाता था तुझे से, हाथ सारा शादी पे रख के बोलो ना बोलो रे, अरे हाथ सारा शादी पे रख के बोलो ना बोलो रे। मानती हूँ हाँ मानती हूँ, हाँ मानती हूँ मैंने किया तुझे को स्वीकार, सोचो जरा मन से बोलो बोलो ना एक बार, फिर हम भी मानेंगे अहिल्या है दोषी रे, फिर हम भी मानेंगे अहिल्या है दोषी रे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। शास्त्र में शिष्य आया बन के पति, कलंक लगा पुरुष पे काम ऐसा धरे, कलंक लगा पुरुष पे काम ऐसा धरे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे, चलना नहीं महासती अहिल्या है हारे। इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे, मैंने इनको मना किया था पर ये नहीं माने। नौकरी जाने के बाद वैसे ही चिंता चिंता में शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, और ऊपर से रूपा गाने वाली थी इसीलिए तुमने। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ठंड से तो सीना जकड़ गया है। एक दवा दे रहा हूँ, अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो इनके सीने का एक्सरे करना पड़ेगा। Ah
रात को एक बार मैं फिर आऊंगा। ये लीजिए। चलता हूँ। अच्छा। लाओ, दवाई ले आती हूँ। रहने देना, वैसे ही पैसे नहीं हैं। ऊपर से ये दवाइयाँ खरीद कर। आप चुप रहिए तो। लाओ तुम्हा। दवाई तो तू ले आएगी, पर अगर एक्सरे करना पड़ा तो। घर में कोई है क्या? आप लोग? मैं घुंगरू मंगल, बिना पानी नाटक दल का मालिक। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आइए आइए, बैठिए। मैंने कल तुम्हारा गाना सुना, इतना अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं राम के वनवास के ऊपर एक नाटक लिखने वाला हूँ। बहुत दिन से ना वो सीता के रोल के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। कल रात को ही तुम्हारा गाना सुना, इसीलिए सुबह होते न होते तुम्हारा पता ढूंढकर झट से तुम्हारे घर चलाया तुमसे मिलने। इसलिए अगर तुम बेटी। आप जा सकते हैं, मेरी बेटी नाटक वाटक नहीं करेगी। नहीं नहीं, इसके लिए हम इसे पैसे देंगे। हर शो के लिए 500 रुपया देंगे। 500 क्यों, 5000 देने से भी नहीं जाएगी। एक शरीफ घर की लड़की रात रात जाकर नाटक करेगी। अरे नहीं नहीं, आप इस काम को इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? ये इतना अच्छा गाना गाती है। पापा। ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक काम करो, ये कार्ड रखो, अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो कॉन्टेक्ट करना। चलता हूँ। चल। सुनिए, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। पापा की तबीयत जरा खराब है ना, आपका पता तो मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, नमस्ते। अच्छा बताइए, लड़की जवान हो रही है, अब तो उसकी शादी की भी उम्र हो रही है। शादी? हाँ, राजनीति का मोड़ कब किस तरफ घूम जाए कौन जानता है। अब देखो, आज मैं एमएलए हूँ, कल नहीं भी रह सकता हूँ, तो सोच रहा हूँ स्कूल फाइनल पास करते ही मैं टुकू की शादी करवा दूंगा। पास करने के बाद? फिर तो आपको और कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, इंतजार क्यों करना होगा? अगले साल ही तो टुकू स्कूल फाइनल देगी। हाँ वो तो देगी, लेकिन आप कह रहे थे ना कि पास करने के बाद शादी करवाएंगे, देखिए वो पास होती है या नहीं। क्यों, पास क्यों नहीं करेगी? आप जब उसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। आपकी बेटी घर में कितनी देर रहती है? आज पढ़ाने आया तो सुना किसी दोस्त के घर घूमने गई है। मैं दोस्त के घर नहीं गई थी, गई थी रणवीर चाचा के घर। चाचा की दीदी शहर से आई है, ये सुनकर मैंने सोचा मैं उनसे जाकर मिलाऊं। वहां जाकर रीना से मुलाकात हुई तो इसलिए यहां ले आई। ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। हाँ। मास्टर जी, मुझे आज नहीं पढ़ना। आओ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। सुनिए, अच्छा आप तो रणवीर बाबू के लड़के तरुण को पढ़ाते हैं ना? हाँ। लड़का कैसा है? अच्छा है। अचानक उसकी खबर? हाँ, सोच रहा हूँ तरुण के साथ टुकू की शादी करवा दूं। हंस क्यों रहे? देखिए ये मेरी एक बुरी आदत है, हंसी की बात सुनते ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मैंने कोई हंसी की बात कही? देखिए अगर इसकी जगह में आप कहते कि आप अगले साल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हंसी आती, लेकिन मैं फिर भी नहीं हंसता, क्योंकि ऐसी दुर्घटना राजनीति में अक्सर होती है। लेकिन तरुण के साथ टुकू की शादी? ठीक है। सुनिए, जब मैंने फैसला कर लिया है कि टुकू की शादी तरुण के साथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा। तरुण के बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं और वो मुझे ठुकरा देगा। आप इस इलाके के एमएलए हैं, गांव के लोगों ने वोट देकर आपको ये कुर्सी दी है, गांव की उन्नति के लिए। उसका इस्तेमाल करके अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए नहीं। और रही तरुण की शादी, वो मैं देख लूंगा। वो देख लेंगे मतलब? वो तो तरुण के मास्टर हैं। सुबह शाम आएंगे, पढ़ाएंगे और हर महीने पैसे लेंगे, बस। पता है, रीना ने भी तो मुझसे यही कहा, आप जो कहेंगी इस परिवार में वही होगा। देखो ना माँ,
एमएलए चाचा ने टुकू का हार जबरदस्ती पहना दिया। मैंने कहा माँ डांटेंगी, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। अगर कोई और देता तो मैं जरूर डांटती, लेकिन इनके जैसे एक महान इंसान ने तुम्हें ये दिया है, तब इसको वापस देकर इनका तो अपमान नहीं कर सकती ना। नहीं नहीं, ये मैंने क्या दिया है। टुकू अगर इस घर की बहू हो गई, तो और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तालाब में बंसी फेंक कर एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए पहले चारा डालना पड़ता है। रीना के गले के हार को तुम चारा समझ सकती है। तुम चुप रहोगे? अच्छा एमएलए साहब, हाँ? आपकी तो बहुत पहचान है। घर में बैठे बैठे इनका दिमाग खराब हो गया है। आप इनके लिए कोई एक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? ट्रेन दुर्घटना में मेरा एक पांव कट गया, फिर भी मैं रास्ते में निकल सकता हूँ। ये आए हैं तुम्हारी मदद से मेरी नाक काटने का बंदोबस्त करने। क्या बकवास कर रहे हो? इनके जैसे एक महान इंसान इस घर में आए हैं। ये लोग नेता हैं, ये लोग ऐसे ही कहीं नहीं जाते, और यहाँ भी ऐसे नहीं आए हैं। इनकी जो ये बंदरिया है, इसके गले में पहनाने के लिए इस घर से मोतियों की माला लेने आए हैं। आप लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं। इनकी बातें छोड़िए तो, एक पैसा कमाने की औकात नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी सुंदर लड़की अगर तरुण की पत्नी बनकर आए। अगर ये लड़की तुम्हें इतनी ही पसंद है तो अपने बेटे से उसकी शादी कर दो। तरुण के गले में क्यों डाल रही है? बंदरिया के साथ बंदर की जोड़ी अच्छी जमेगी। अब क्या कर रहे हैं पापा? जब से एमएलए चाचा जी आए हैं, आप इनके पीछे क्यों पड़े हैं? अरे मैं इनके पीछे तो आज पड़ा हूँ, और अगर तुम्हारी माँ ने अपनी चाल में कोई गलती की तो ये फिर हमेशा इस परिवार के पीछे पड़े रहेंगे। चाल में गलती करूँगी मैं? तरुण की किस्मत अच्छी है कि ऐसे वंश की बेटी इस घर की बहू बनेगी। किसकी किसकी बहू? तरुण की। मैंने तय किया है कि टुकू के साथ तरुण की शादी करवाऊंगी। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? छोटे साहब की तो अभी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई, तो शादी कैसे होगी? वो मैं समझूंगी। तू इस घर का नौकर है तो तू क्यों उसमें अपनी नाक घुसेड़ रहा है? आप लोगों की इतनी सारी नाक होते हुए मैं भला क्यों नाक घुसेड़ने जाऊंगा? मैं कह रहा था कि ये सब क्या बड़े साहब को मालूम है? वो मैं समझूंगी, तू अपना काम कर। इनके लिए एक कप चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं, अभी चाय पीने के लिए वक्त नहीं है। आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अभी घर जाना है। लो इस वाउचर में साइन कर दो। अरे अभी तो आपसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। क्या? आपको शायद याद नहीं है, आपसे लेकर 1000 रुपए मैंने एक चिट्ठी के साथ अपने घर भिजवाए थे, वो तो आपने काटे ही नहीं। ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए, मुझे देर हो रही है। मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है रूपा। अपराध? दरअसल मैं उस दिन पैसे और चिट्ठी लेकर गया था, पर रात में कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैं जा नहीं पाया। और पैसे? ये आपने क्या किया? पिछली बार जब वापस आई थी तो पापा की दवाइयाँ खत्म होने वाली थी। पापा की तबीयत कैसी होगी पता नहीं। रूपा, मैं ठीक हूँ बेटी। रहने दीजिए, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से गई थी तभी आपकी दवाई खत्म होने वाली थी। पिछले कुछ दिनों में एक भी दवाई नहीं ली आपने, तो फिर आप ठीक है ये बात मैं कैसे मान लूं? दवाई नहीं ली ये किसने कहा? तूने क्या सोचा, तेरे भेजे हुए पैसों से दाल चावल खरीद कर मैंने अकेले अकेले खा लिया? तेरे पापा के लिए मैंने दवाई नहीं खरीदी? मेरे भेजे हुए पैसे? हाँ, 3 दिन पहले चिट्ठी लिख के तूने नाटक दल के मैनेजर राजू गोपाल जी के हाथ से 1000 रुपए भिजवाए, और इतनी जल्दी तू भूल गई? पैसे और चिट्ठी आप लोग को मिली थी? हाँ, ये रही तेरी चिट्ठी। वो बूढ़ा आदमी इतनी दूर से तेरे दिए हुए पैसे और चिट्ठी देकर गया। बूढ़ा आदमी? हाँ, तेरे दल का मैनेजर राजू गोपाल बाबू। मैंने उनसे कितना कहा, हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा सा खाना खाकर जाइए,
पर उन्होंने खाया ही नहीं। सिर्फ जाते वक्त एल्बम से तेरी एक फोटो लेकर गए हैं। कैसी कैसी लगी मास्टर साहब? बहुत सुंदर। आप ही सोचिए, इतनी छोटी एक लड़की रात भर जाग जाग के काम करके परिवार चलाती है, पिता का इलाज भी करवा रही है। बिल्कुल ऐसी ही एक लड़की चाहिए इस परिवार को संभालने के लिए, है ना? हाँ, लेकिन एमएलए साहब जैसे इनके पीछे पड़े हैं। पता है, रूपा बिटिया के पिता ने मुझसे कहा है, रूपा को अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसके साथ अगर शादी हुई। शादी? मुझे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, मैं कह रहा था कि पैसों की कमी की वजह से तुम्हारा परिवार नहीं चल पा रहा, वैसे ही पत्नी के बिना मेरा परिवार भी अधूरा है। घर में चार छोटे छोटे बच्चे हैं, हर रोज कहते हैं माँ ला के दो, एक नई माँ ला के दो पापा। तो अगर तुम उन लोगों की इच्छा पूरी कर दो तो फिर मैं भी तुम लोगों को 10 महीने का बकाया भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, और ऊपर से आप 10 दिन बाद आकर अपने पैसे ले जाएगा। और अगर नहीं मिले तो? नहीं मिले तो आप जैसे एक बुढ़े इंसान से मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। जाइए यहाँ से। सुनो, 10 दिन बाद जब आऊंगा तब मैं इस घर में अकेले नहीं आऊंगा, साथ में मेरे लोग भी रहेंगे, मतलब बाराती। जाइए, कहाँ ना जाइए। 10,000? हाँ, ये पैसे मैं उधार के तौर पर लूंगी, आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। अच्छा 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 नहीं नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा, पहले कहिए ये पैसे आप वापस लेंगे, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। लीजिए। लेकिन इस पैसे के बारे में मेरे भाई और मेरे पति को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ले रख। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सच में आप जो कुछ मेरे लिए कर रही हैं। रुकिए, पहले शादी तो करवा दूं। वो हरामजादा मास्टर और वो बूढ़ा नौकर जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। एक बात कहूँ माँ, तुम पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हो। अभी लड़कों को पटाने का मार्केट में नया फॉर्मूला आया है। नया फॉर्मूला? हाँ, प्लान करके अगर टुकू के साथ तरुण की एक ये कर सकता ना, तब दोनों सीधे मंडप पे। लेकिन तरुण तो मुझे घास भी नहीं डालता, देखते ही मुंह फेर लेता है। हाँ तो तुमसे मुंह नहीं मोड़े, इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे तुम दक्षिण पाड़ा के बगीचे में आ जाना, मैं ठीक तरुण को पटा के ले आऊंगा। बिट्टू भैया, हाँ? तुम कैमरा क्यों लेकर आए हो? सीता की फोटो लेने के लिए। ये बहुत अच्छा किया तुमने, एक फोटो मुझे भी देना। ठीक है, दे दूंगा। ये बात किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। हे भगवान, जो कहा था बिल्कुल वही करना। अरे उठो उठो, यहाँ क्या करने आई हो? एक दोस्त के घर। क्या हुआ? मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तुम एक रिक्शा बुला लाओ ना। ठीक है तरुण। हाँ। तू थोड़ी देर यहाँ रुक जा, मैं अभी जाकर एक रिक्शा बुला के लाता हूँ। हाँ, ठीक है, है? अब बहुत दर्द हो रहा है? बहुत बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुंह चाहिए, रुको मैं देखता हूँ। अच्छा अब उठने की कोशिश करो, उठो। मुझे जरा उठाओ, देखो चल पाती हूँ या नहीं। अरे क्या हुआ? मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही। लगता है तुम्हारा पाँव टूट ही गया है। हाँ। अरे रूठा है क्यों रे सनम, क्या है
किसे तुझको सलाम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी पता, मनाऊं कैसे तुझको सलाम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों है क्यों हाँ औरे सनम। हो गया। धत, तुम्हारी चाल बिल्कुल काम नहीं आई, मुझसे और गुस्सा हो गया। अरे गुस्सा ही तो प्यार में बदलता है, बिना बादल के क्या बरसात होती है। पहले धीरे धीरे आसमान में बादल छाएंगे, फिर वो बादल धीरे धीरे करके पूरे आसमान को ढक देंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे बिजलियां चमकेंगी, फिर बारिश। तो गदाधर जी से उस तरह से बात नहीं करती तो ही अच्छा होता। जब मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस घर की खुशी के लिए उस गदाधर बाबू से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने तुझे ऐसा करने के लिए थोड़ी कहा, मैं कह रहा था। मुझे थोड़ी ना पता था पापा कि अचानक बारिश की वजह से हमारा नाटक कैंसिल हो जाएगा। पापा मैंने तो सोचा था चार दिन बाद जब गदाधर जी पैसे लेने आएंगे तब तो क्या करेगी। और क्या करूंगा, जितना भी तूफान आए मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में सारे टीचर्स की तनख्वाह रुकी हुई है, अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो पैसे वापस चले जाएंगे। तनख्वाह ना मिलने से उनका परिवार कैसे चलेगा। आप एक काम कर सकते हैं मास्टर जी, आप एक काम करिए, पापा से कुछ पैसे लेकर तनख्वाह दे दीजिए, उसके बाद बारिश कम होने के बाद 10-20 हज़ार की बात होती तो वही करता, लेकिन इतने सारे पैसे, और फिर मेरे ना जाने से अगर पैसे वापस चले गए। मुश्किल की बात यह है, बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब है, रुपए लेने के लिए तो दुकान में जाना पड़ेगा या फिर बैंक जाना होगा। अब ऐसे में तो पापा से मैंने कितनी बार कहा है कि दुकान में एक भरोसेमंद आदमी रखें, हफ्ते हफ्ते दुकान में जाके उनसे हिसाब ले लें। अरे आज के जमाने में तो भरोसे की ही कमी है, और तुम्हारे पापा का कारोबार मतलब नगद का कारोबार। ये बात तो है। ठीक है मैं चलता हूँ। रुकिए मास्टर साहब, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ छोटे साहब, मास्टर साहब के साथ मुझे एक प्राइवेट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि आप तो शहर जा रहे हैं। हाँ। रास्ते में जगत बल्लभपुर पड़ेगा। हाँ। तो लौटते वक्त रूपा बिटिया से जरा मिल के आइएगा। बात तो अपने पति की है, लेकिन मैं जाकर क्या कहूंगा। ओ रूपा बिटिया तो यहाँ वहाँ यात्रा करती है, पूछने पर आप कहिएगा कि। मैं श्यामपुर गांव के हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, हमारे गांव में कुछ दिन पहले राम का वनवास नाटक हुआ था, आपकी बेटी का अभिनय देख के मैं तो मोहित हो गया, सोचा था वही आपकी बेटी को शुभकामनाएं, लेकिन इतनी भीड़ थी ना। उस दल के मैनेजर रघु, राजू गोपाल, तो उनसे मुझे पता चला कि आपका घर यहाँ है। शहर आया था एक काम के सिलसिले में, सोचा लौटते समय शुभकामनाएं देते ही चलो। अरे रहने दो, आप मास्टर हैं, लोगों में शिक्षा बांटते हैं, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद का मूल्य बहुत ज्यादा है, इसे आशीर्वाद दीजिए जिससे ये हमेशा खुश रहे। जब से आए हैं आप खड़े ही हैं, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं बैठूंगा, मौसम का तो आप हाल देख ही रही हैं, कुछ दिनों से जो चल रहा है, हर महीने मुझे इधर आना पड़ता है, मुलाकात तो होती रहेगी। हमारे घर में आप पहली बार आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पीकर जाइए। हम लोग भी आ गए हैं, हमारे लिए भी चाय बनाइए, हम बस चाय पीकर पैसे लेके ही चले जाएंगे, आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं कुछ दिनों से कितनी बारिश हो रही है, इस
इसलिए हमारे नाटक कैंसिल हो रहे हैं। अब तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुमने तो कहा था। हाँ मानती हूँ मैंने कहा था, लेकिन ऐसे बिन मौसम बारिश होगी। जैसे तुमने सोचा नहीं कि ऐसे बिन मौसम बारिश होगी। मैंने भी कहा सोचा था कि मेरी पत्नी आशा चार चार मासूम बच्चों का बोझ मेरे कांधे पे छोड़कर अचानक चली जाएगी। पता नहीं हम दोनों के बीच में कैसा एक मेल हो गया है। अब अगर मिलन हो जाए तो बारिश की वजह से नाटक बंद हो सकता है, पर शादी तो हो सकती है। किसकी शादी और किसकी? मेरी और इसकी। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आपके साथ इसकी शादी होगी। ये हमारे मकान मालिक हैं। हम लोगों को इनका 10 महीने का किराया देना बाकी है। इन्होंने कहा था कि अगर आज पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रूपा से शादी करेंगी। बाप होके झूठ नहीं कहूंगा, रूपा ने इनसे वादा किया था अगर आज ये किराए के पैसे नहीं देगी तो इस बुड्ढे से शादी करेगी। अरे आप बेकार में इस मामले में क्यों कूद रहे हैं? जब सारी बातें हो चुकी है, ये लोग पैसे ही नहीं दे पाएंगे। पाएंगे? दे पाएंगे। हाँ 10 महीने का किराया कितना है? वही 800 रुपया करके हर महीने होने से 8000 रुपया। जी हाँ वही 8000 रुपया। रसीद लाए हैं? हाँ लाया हूँ, मैं साथ ही लेके आया हूँ। वेरी गुड। हाँ तो फिर उसे निकाल के 10 महीने का रसीद काटिए। बेटा तुम, आपको तो मैंने पहले ही कहा था आपकी बेटी का अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ लीजिए ये उसी का इनाम है। इस तरह से मेरा अपमान करके इसे इनाम दे रहे हैं? हाँ अब बदनाम होने से पहले दफा हो जाएगा। गिन लीजिए 8010 रुपए है। 10 रुपए किस बात के? हाँ ये बारात लेकर आए हैं ना, तो बाहर चाय की दुकान से थोड़ी चाय वाय पी लेंगे। और इसके बाद भी अगर घर का भाड़ा बाकी हुआ तो? फिर बारात लेके आइएगा, दफा हो जाइए। चलो चलो चलो। मैं कह रहा था कि वो शादी। गेट आउट। अरे आप मुझे चाय पिलाने वाली थी? हाँ बेटा मैं लाती हूँ। तो बेटा तुम तो स्कूल के हेडमास्टर हो, स्कूल में कोई चपरासी की नौकरी खाली नहीं है क्या? आप ऐसी तबीयत लेकर? तबीयत तो मेरी ठीक ही है बेटा, बस दिल टूट के चकनाचूर हो गया। एक नौकरी अगर मिल जाती तो थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे। ठीक है मैं इसके भैया जैसा हूँ, अब जब आपके परिवार के साथ मैं जुड़ गया हूँ तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मतलब, जिंदगी में ऐसा मौका कभी मिलेगा? स्कूल के मास्टरों का पैसा लेकर बस स्टैंड से इतनी दूर तक वो पैदल चलकर आएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर अपने कुछ लोगों को वहाँ भेज कर अगर उसके बैग को छीन सकते हैं। आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं, स्कूल के रुपए चोरी करने के इल्जाम में उस मास्टर को स्कूल से निकालने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और सोचने का समय नहीं है, जो करना है जल्दी कीजिए। जिनको भेजेंगे ध्यान रखिएगा कि वो इस गांव के ना हो। अरे ये टीचर्स के पैसे हैं, छोड़ो। नहीं मैं नहीं दूंगा, छोड़ दो, छोड़ दो। चुपचाप ये बैग दे दे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। चल 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 भाग भाग। अरे अरे ओ भाई, अरे अरे भाई सुनो। ये क्या, उन लड़कों को आपने देखा है? नहीं इतनी आंधी तूफान में तो, लेकिन उन लड़कों को इस गांव में कभी देखा है ऐसा याद नहीं। तो फिर पुलिस को खबर दी है क्या? हाँ थाने में डायरी करने के बाद ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। कल इतवार है, मैं परसों स्कूल की मीटिंग बुला रहा हूँ। कमेटी मेंबर के सामने जो कुछ हुआ है आप बताइएगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। तो फिर मैं चलता हूँ। उस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सी बात? अरे वही तरुण के साथ टुकू की शादी की बात। तरुण के पिताजी जिस तरह से आपका मान सम्मान करते हैं,
आप जो भी कहते हैं वो आपकी बात मानते हैं। स्कूल कमेटी के मेंबर भी उसी तरह मेरी बात को थोड़ा मानते हैं। मैं जो कुछ कहूंगा वो लोग उसे मान ही लेंगे। कल का दिन लेकिन बहुत ही अच्छा है। कल मैं रणवीर बाबू के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। टुकू को भी लेकर जा रहा हूं, आप भी रहिएगा वहां पे। कल आपने अगर जरा सी मेरी मदद कर दी ना, परसों की मीटिंग में मैं आपका मामला देख लूं। मैंने तो आपको पहले ही कहा है, अपने स्टूडेंट का भविष्य मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये जानकर भी? मेरी बर्बादी का मतलब तो चोरी की बदनामी अपने सर पर लेना, यही ना? बदनामी के साथ साथ स्कूल के रजिस्टर से आपका नाम भी कट सकता है। मेरा नाम आप परसों काटिएगा, लेकिन आपकी बेटी का नाम मैं आज ही काटता हूँ। मास्टर जी, आप ही तो उस दिन पापा से कह रहे थे कि जब आप पढ़ाने आते हैं मैं घर पर नहीं रहती। आज तो मैं घर पर ही हूँ, बिना पढ़ाए चले जा रहे हैं। तुम ऐसे वक्त में पढ़ना चाह रही हो जब तुम्हें पढ़ने का मन हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ाने की हालत में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अपने पापा से पूछ लेना। नहीं, मुझे आपसे ही सुनना है। आइए आइए मेरे साथ। अच्छा मास्टर जी, तरुण से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? टुकू, तुम्हें तरुण को दोनों को मैं पढ़ाता हूँ। बचपन से मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ, तुम दोनों से ही मैं प्यार करता हूँ। तो फिर आपको ऐतराज क्यों है? तुम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। वो बहुत शांत है और तुम बहुत चंचल। और फिर रुक क्यों गए? कुछ दिन पहले मुझे एक बात पता चली है। तरुण रूपा नाम की एक लड़की को, वही जो रामलीला के नाटक में सीता बनती है। तुम्हें कैसे पता? बिट्टू से पता चला। टुकू, बचपन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में शायद तुम्हारा मन ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दिल नहीं है ये नहीं मानता। जबरदस्ती किसी से कुछ छीन कर लेने में भले ही क्यों ना बहादुरी हो, लेकिन अपने आप को वंचित करके किसी और के लिए कुछ करने में जो खुशी है उसे तुम जरूर महसूस करती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने दिल से ये बात पूछ लेना तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। पापा के पावर से मिली हुई ये बहादुरी या अपने आप को वंचित करके मिली खुशी? तो ठीक है, मैं चलता हूं। शायद तुमसे अब कभी मुलाकात ना हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम खुश रहो, अच्छी रहो। कल आप तरुण के घर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कौन सा मुँह लेकर वो आएंगे? गांव में सभी को पता है कि उन्होंने स्कूल के पैसे चुराए हैं। असंभव, मास्टर साहब ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गुंडे लोग आकर। रहने दो, वो सब कल स्कूल में देखा जाएगा, मीटिंग में। अभी जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम को कर लिया जाए। हाँ वही ठीक होगा। मैं आप लोग से ये कह रहा था कि छोटे साहब की तो अभी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई करके जज बैरिस्टर बनेगा क्या? संभालेगा तो बाप का ही कारोबार। नहीं नहीं, अगर वो पढ़ना चाहता है तो चुप रहे। तो तू मेरा इकलौता भाई है, इस उम्र में मैं तुझे ज्यादा दिन दुकान जाने ही नहीं दूंगी। मैं कह रहा था कि बुआ जी, आह नौकर है नौकर की तरह रहे, इसलिए कहती हूँ नौकरों को छूट नहीं देनी चाहिए। और छूट देने के लिए जिसके पास तुम्हारी जैसी दीदी है। आह तुम चुप रहो। ए रघु, चुपचाप जाकर सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ। तो फिर आप लोगों की इजाजत लेकर शुभ काम शुरू किया जाए। हाँ हाँ, आप देर मत कीजिए। रणवीर बाबू, आज मैं शादी की बातचीत पक्की करके ही जाऊंगा। हाँ। टुकू एक अंगूठी लेकर आई है, इसे वो तरुण की उंगली में पहना देगी। टुकू, ये अंगूठी तरुण की उंगली में पहना दे, आज पूर्णिमा है, दिन भी अच्छा है। मैं कह रहा था कि शादी की बात हुई है ठीक है, पर तरुण की मर्जी भी है। मैं तो
चुप रहे तो भाई, अभी उसकी उम्र ही क्या है जो हम उससे उसकी मर्जी पूछेंगे? हम बड़े बुजुर्ग जो तय करेंगे वही होगा। जो सही समझो तुम लोग करो, मैं चलता हूँ। नहीं चाचा जी, आप चाहे या ना चाहे, पर इस वक्त तो आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कितनी उम्मीद लेकर आई हूँ। जो मुझे करना चाहिए था। इसका मतलब तू? आज कोई आम दिन नहीं है पापा, आज रक्षाबंधन का दिन है। तरुण को बचपन से ही मैं भाई के रूप में देखती आई हूँ, और आज उसके हाथ में राखी बांधकर हमेशा के लिए मैं उसकी बहन बनकर रहूंगी। छी छी छी, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसकी कीमत तो आपको मिल ही गई है बुआ। पापा ने जो आपको 10,000 रुपए दिए थे वे आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे। 10,000 रुपए? हाँ, मेरे साथ तरुण भैया की शादी करवाने के लिए इन्होंने दलाली के पैसे लिए थे। बिल्कुल नहीं, वो पैसे तुम्हारे पापा से मैंने अपने पति की दवाई खरीदने के लिए लिए थे। 10,000 की दवा? तो मेरे लिए खरीदी गई दवाई क्या तुमने या तुम्हारे बेटे बेटी ने खाई है? छी छी दीदी, जीजा जी की दवाई के लिए अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझे बोल सकती थी तुम। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। और कितनी बार ये बात कहूँ मैं, उस आंधी की रात को कुछ गुंडों ने मुझसे पैसे छीन लिए थे। अच्छा तपन जी, हर महीने आप जब शहर पैसे लेने के लिए जाते हैं तो 3 बजे तक लौट आते हैं, तो परसों इतनी देर क्यों हुई? इतने सालों से तो पैसा आप ही ला रहे हैं, मगर इतनी देरी तो कभी हुई नहीं। उस वक्त आप कहाँ थे? फिजूल की बातों को छोड़कर आप लोग मुझे जो कुछ भी सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सजा वो तो मिलेगी ही आपको क्या, लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा पैसे है कहाँ। सारे पैसे इस बैग में है। हाँ, यही तो वो बैग है। ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे पापा के ड्रॉअर से। परसों तूफानी रात में अचानक देखा 4-5 कुछ गुंडे जैसे लड़के इस बैग को लेकर पापा के कमरे में गए। अरे काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बॉस, देख लीजिए माल। मास्टर जी तुझे पहचान तो नहीं पाए? अरे नहीं नहीं, 1 मिनट में हम लोग ये बैग लेकर चले आए, किसी को खबर तक नहीं हुई। ले मजे कर। दीजिए। हाँ। चलता हूँ। चलता हूँ बॉस। ठीक है। पापा, मेरी खुशी के लिए आप गांव के कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। इसके बाद तो आप नहीं चाहेंगे कि मास्टर जी मुझे आगे पढ़ाए, और इसके लिए मुझे जरा भी दुख नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि गांव के बाकी लड़के लड़कियों को इनके जैसे ईमानदार मास्टर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मास्टर जी, परसों रात को सिर्फ 10 मिनट में आपने जो मुझे शिक्षा दी थी उसी को ध्यान में रखकर मैं ये बाकी की जिंदगी बिता दूंगी। और आज इस 10 मिनट में बेटी होकर जो मैंने अपने पिता को शिक्षा दी है, पता नहीं गांव के माननीय MLA के जीवन में आगे काम आएगी या नहीं। अरे रे रहने दो। मीटिंग तो बुलाई गई है फैसले के लिए, अब किसका फैसला होगा? रमन जी, आप सबसे मेरी एक विनती है, इस 4 दीवारी के अंदर आज जो कुछ भी हुआ ये किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके आगे इसको लेके हम कोई भी बात नहीं करेंगे। स्कूल के सारे टीचर बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें तनख्वाह दे दीजिए। तो तनख्वाह कितनी देनी होगी? आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ हाँ, जो आपकी दुकान संभालेंगे उसे आप अपने हिसाब से तनख्वाह दीजिएगा, लेकिन जो आपका घर संभालेगी। घर संभालेगी मतलब?
देखिए तो, क्या ये आपकी बहुरानी होने के लायक है? बहुत सुंदर है देखने में तो। सिर्फ देखने में सुंदर है, इसीलिए ऐसी एक लड़की को तू घर की बहू बनाएगा जिसने कई रातें घर के बाहर गुजारी हैं? उसने रात पे रात बाहर गुजारी है, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद है। अपना सुख चैन सब कुर्बान करके उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है। मेरे परिवार को संभालने के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। जब वो आएगी तो घर की चाबियां किसके पास रहेंगी? अगर उसे लगेगा कि घर की चाबी तुम्हारे पास ही सेफ है तो चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी, और अगर उसे लगेगा, इसका मतलब उसकी बात मानकर मुझे चलना पड़ेगा। बहू रानी आकर तुम्हारी सेवा करे, तुम ये नहीं चाहती? हाँ, ये तो चाहती हूँ। तो फिर देर क्यों? पंडित जी से कहकर एक शुभ मुहूर्त देखकर उसे शगुन देकर आते हैं। चलो। तो वो लोग हमें क्या देंगे? बरातियों के कपड़े, इसके अलावा नगद कितना देंगे? नगद क्यों? इस शादी में आपको दहेज देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की लक्ष्मी भेज रहे हैं मेरे घर में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों बोलो दीदी? इन्हें तो रोक क्यों रहा है? अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। बहू रानी के अलावा मेरे घर में सब कुछ है, मुझे सिर्फ बहू रानी चाहिए। तो फिर बात पक्की हो गई, कल से आप इनकी दुकान संभालेंगे। और रूपा को कब जिम्मेदारी मिलेगी वो बात हम बाद में कर लेंगे। चलो दीदी, तुम लोग अभी जाओ। शादी करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके कई नियम होते हैं, मैं सब ठीक ठाक करके आती हूँ। रूपा, राम तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भी ना। तो फिर अब हम लोग चलें। नमस्ते नमस्ते। जाके ही गाड़ी भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मास्टर। हाँ चलिए चलिए। नमस्ते। चलिए नमस्ते। मेरे भाई को तो आप लोगों ने देखा, दिन भर बस दीदी दीदी करता है। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद उसके घर के नौकर रघु ने घर को पूरा नरक बना के रख दिया था। मुझे जब भाई ने चिट्ठी लिखकर सारी बात बताई तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना घर छोड़कर सीधी उसके पास आ गई। आपकी बेटी कहाँ है? अंदर ही है। दिन तारीख तय होने से पहले मुझे उसको कुछ बातें बतानी जरूरी है। आप तो उस घर में सबसे बड़ी हैं दीदी, आप जैसा कहेंगी वो वैसा ही करेगी। वो जो मास्टर आया था ना, देख के लगता है कि उसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। आप लोगों को नहीं पता है कि वो कितना बड़ा कमीना है, उसकी वजह से तो बस शादी टूटने ही वाली थी। आपकी बेटी नाटक करती है, इसलिए वो और घर का नौकर रघु, उन्होंने मेरे भाई को समझाया था जो लोग नाटक करते हैं उनका चरित्र सही नहीं होता है। दरअसल हमारे इलाके के एमएलए की बेटी टुकू को वो पढ़ाता है, और वो एमएलए उनके स्कूल के सेक्रेटरी भी हैं। एमएलए को खुश करने के लिए वो चाहता था कि तरुण के साथ टुकू की शादी हो, और इसलिए एमएलए से उसने और हरामजादे रघु ने बहुत सारा पैसा भी लिया था। गांव में जाकर देखिएगा, अपना नाम बनाने के लिए बैग खोलकर कैसे पैसे उड़ाता है। मास्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं बताइए तो। मैं जब तक जिंदा हूँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी रूपा थोड़ी सिद्धि है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। आपके घर में पूजा का कमरा कहाँ है? दरअसल हमारे घर में पूजा के लिए कोई अलग सा कमरा नहीं है, वही वो सोने के कमरे में एक तरफ। चलिए उस कमरे में चलते हैं। भगवान की दया से ही जब रिश्ता जुड़ रहा है तो भगवान के सामने ही। हाँ ये आइए। पर दया करो माँ, परिवार का मंगल करो। आप लोगों की लक्ष्मी प्रतिमा तो बहुत जागृत लग रही है।
जब मैं प्रणाम कर रही थी तब मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर से एक विद्युत तरंग बह रही है। ये मूर्ति इस वंश में लगभग 300 सालों से है। सदियों से इस मूर्ति की पूजा होती चली आ रही है। ओह, तो ये बात है। दरअसल मैं थोड़ी सी धार्मिक हूँ, भगवान को प्रणाम करके ही समझ जाती हूँ कौन से भगवान में प्राण है और कौन से भगवान निष्प्राण। तुम मेरे पास आओ तो बेटी, आओ, आप भी आइए। लो, अपने कुल की जागृत माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने अपने पिताजी के सर पर हाथ रखकर कहो, मैं उस घर में तुमसे जो भी करने को कहूंगी, जैसा भी करने के लिए कहूंगी, तुम मेरी बातों के अलावा और किसी की बात नहीं सुनोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी, लेकिन पापा की कसम नहीं खा सकती। अभी तक तुम उस घर की बहू नहीं बनी हो और मेरे सामने मुझे ना कह रही हो, तब तो मुझे ये सारी बातें अपने भाई को बतानी पड़ेंगी। बेटी देख, बेटी इनकी बात मान ले, बेटी मेरे सर पे हाथ रख के ये जो करने के लिए कह रही है वो मान ले। लेकिन पापा, आपकी कसम खा लेने के बाद भी अगर मुझसे सच में कोई गलती हो गई तो? गलती तुम नहीं करोगी, गलती करने से पहले ही तुम्हें याद आएगा कि ये गलती तुम्हारे पापा को बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन पापा, ये तो अच्छी बात है बेटी, मेरे नुकसान के डर से तो कभी भी इनकी बातों को अनसुना नहीं करेगी, ये तेरी भलाई के लिए है बेटी। चल कहिए इसे क्या कहना है। कहो, भगवान के सामने पिताजी के सर पर हाथ रख कर कह रही हूँ, उस परिवार में जाकर बुआ जी मुझे जो करने के लिए कहेंगी मैं वही करूँगी। क्या हुआ, बोल। भगवान के सामने पापा के सर पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ, उस घर में जाकर बुआ जी मुझसे जो कहेंगी मैं वही करूँगी। यही है वो नागिन, एमएलए की बेटी टुकू। देखो, आते ही आते तीनों एक साथ हो गए। जाओ, अब कमरे में जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आओ बेटी, सदा सुखी रहो, जीती रहो। अरे बस बस बस, रहने दो। मैं, ये आप क्या कर रही है बहू? ये तुम अभी क्या कर रही थी? घर के नौकर के पैर छूकर तुम प्रणाम कर रही थी? रघु चाचा, तरुण, रूपा इस घर में पहली बार आई है, उसे पता नहीं है किसको कितना सम्मान देना चाहिए, ये बात तो तुम्हें ही उसे बतानी पड़ेगी। तुम उसे साफ साफ ये समझा दो कि इस घर में सबसे पहले किसके पैर छूने हैं।
बहुरानी, तुम इस बूढ़े नौकर के पैर को मत छुओ। मास्टर अपने छात्र को कुछ भी सिखा सकता है, लेकिन मैं तो अपने खानदान की बहू को ऐसे ही किसी के सामने सर नहीं झुकाने दूंगी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है बहुरानी। बचपन में मैंने छोटे साहब को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गलती से वो मेरे पैर छू सकते हैं, लेकिन आप ये गलती क्यों कर रही हैं? जाओ, बेकार की बातें यहाँ ना करके रसोई घर में जाओ। तुमने मुझे बगैर पहचाने ही प्रणाम किया। तुमने प्रणाम किया क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी की तरह सोफे में बैठा था, इसलिए। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो एक बार और प्रणाम करोगी। मैं तुम्हारी इस प्यारी सी भोली सास का नलायक पति हूँ। अपनी जगह पर जाके बैठो तो। सुनो बहुरानी, तुमने हम सबको प्रणाम करके कितना पुण्य कमाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा पाप कमाया है उस बूढ़े इंसान का पाँव ना छूकर। नौकर के पाँव छूकर इसे पुण्य नहीं कमाना होगा। तुम्हारा छोटा भाई मतलब इस घर का मालिक रोज जिसको प्रणाम करता है। मेरा भाई भी रघु को प्रणाम करता है? हाँ करता हूँ। कहाँ? मैंने तो तुझे रघु के पैर छूकर प्रणाम करते नहीं देखा। गंगा स्नान करते वक्त देखोगी, हजार हजार लोग हाथ जोड़कर सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। सूरज को प्रणाम करने के लिए क्या सूरज के पैर छूने पड़ते हैं? कहाँ सूरज और कहाँ रघु। तुम्हारे लिए रघु नौकर होगा, लेकिन मेरे लिए पिता के समान है। क्या कह रहा है तू नई बहू के सामने? जो सच है वही कह रहा हूँ। बहुरानी आज पहली बार इस घर में आई है, नहीं तो मैं उससे कहता कि तुम्हें अपने पति के कमरे में घुसने की अनुमति तभी मिलेगी जब इस घर का वो बूढ़ा नौकर तुम्हें माफ करके तुम्हें तुम्हारे पति के कमरे में घुसने की अनुमति दे देगा। छी छी छी, उसके आते ही तूने उसका इतना बड़ा अपमान किया। बहस मत करो दीदी, बारूद के ढेर में खड़े रहकर मैं दिवाली नहीं मनाना चाहता दीदी। जब इस परिवार की जिम्मेदारी मैं बिना सोचे तुम्हें दे सकता हूँ, तो फिर बहुरानी की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें देता हूँ। चलो बहुरानी, आओ तरुण। तुम्हें एक बात बताऊं रणवीर? कहिए ना। अगर बेटा बाप से जिद करे, उसके हाथ में बंदूक देने से पहले बंदूक से गोली निकाल कर देख लेना जरूरी है, नहीं तो बंदूक हाथ में आते ही देखना होगा कि बाप की तरफ ही बंदूक न तान ले। लेकिन बहुरानी को देखकर पता लगा कि वो काफी बुद्धिमान है। लगता है हम लोगों को बहुत जल्द अपने घर वापस जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोग क्यों जाएंगे? क्यों मतलब? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं इतना भी नहीं जान सकती कि टुक्कू से तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो हमारे एमएलए की बेटी है, मेरी बचपन की दोस्त। क्या वो रोज इस घर में आती है? हाँ, मास्टर जी आते वक्त उसे साथ लेकर आते हैं, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दरअसल हमारे इलाके के एमएलए की बेटी टुकू को वो पढ़ाता है। एमएलए को खुश करने के लिए वो चाहता था कि तरुण के साथ टुकू की शादी हो। क्या हुआ? हाँ? गहरे सोच में पड़ गई ऐसा लग रहा है। सुनिए, मैं आपको सीधे सीधे कह देती हूँ, टुकू इस घर में नहीं आ सकती। हा? ये क्या कह रही हो तुम? मास्टर जी खुद उसे लेकर आते हैं, अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और ऊपर से उसे बहुत बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? तुम तरुण के पापा से साफ साफ कहना कि बेटी की शादी में बहुत सारी उधारी हो गई थी, सुनार बार बार टोक रहा था, इसलिए आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मैं हर महीने 500 रुपए करके चुका दूंगा। अगर वो गुस्सा हो गए तो? लेकिन इसमें बहुरानी गुस्सा क्यों करेगी? लेकिन देखिए मुकुंद बाबू, सच कहूँ तो जब से आपने मेरी इस दुकान की जिम्मेदारी ली है उसके बाद आपके अच्छे बर्ताव के कारण मेरी दुकान के ग्राहक और भी बढ़ गए हैं, इसीलिए तो मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। तो फिर अपने घर के इस्तेमाल के लिए एक साबुन और नमक का अगर दाम देंगे तो? मैं क्यों ना दूं बताइए, क्या मैं आपकी दुकान में मुफ्त में काम कर रहा हूँ? ज्यादा बहस मत कीजिए, तो दीजिए जो भी पैसे हैं दीजिए। हाँ दे रहा हूँ। और देखिए मुकुंद बाबू, मैं कल से रोज दुकान पर पैसे लेने नहीं आऊँगा, आप पूरे हफ्ते का हिसाब इस खाते में लिख कर रखिएगा, मैं हर शनिवार को आकर हिसाब मिलाकर पैसे ले जाऊँगा। हाँ। आज से
मेरी दुकान की सारी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर और मेरी सारी जिम्मेदारी लेगी आपकी बेटी लेकिन मैं क्यों पापा जी, बुआ जी के होते हुए? दीदी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन ये परिवार दीदी का नहीं, ये परिवार तुम्हारा है। आज अगर तरुण की माँ जिंदा रहती तो तुम्हें कितना प्यार करती, कितना ख्याल रखती। क्यों, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जानती हूँ आप रोज रघु चाचा से मेरे बारे में पूछते हैं, मैंने ठीक से खाना खाया है या नहीं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। और रघु चाचा भी वैसे ही हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देते। मास्टर जी कह रहे थे कि तुम राम जी के बनवास वाले नाटक में बहुत अच्छा गाती हो, और वही गाना सुनकर तरुण, क्यों मुझे भी सुनाओ ना वो गाना। मैं गाती हूँ, लेकिन रामायण का कोई गाना आपको नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि सीता तो सिर्फ दुख के गाने गाती है, आपने तो मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है। तब तुम कोई दूसरा गाना गाओ, खुशी का गाना गाओ। सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन, सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन, दुख से ना घबराऊंगी अब, सुख से कटेगा जीवन, सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन, सुख के सागर खुशियों से भरा ये जीवन।
वाह, कितनी खूबसूरत बहुरानी की आवाज है। मुझे तो आपने गाना नहीं सिखाया, नहीं तो मेरी आवाज भी वैसी ही होती। गाना तो सीख ही रही थी, मोहल्ले वालों ने मीटिंग करके तुम्हारा गाना बंद करवाया। अपने बच्चों का तो तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है, क्यों इनके अंदर कोई गुण नहीं है? किसने कहा नहीं है? जिसकी माँ इतनी गुणवती है उसके बेटे बेटी के गुण नहीं होंगे? चुप रहो, मेरे भाई का कारोबार क्या मेरा बेटा नहीं संभाल सकता था? एक महीना भी नहीं हुआ रूपा के पापा दुकान पर बैठ रहे हैं, और इसी बीच भाई ने दुकान की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे दी। मेरे भाई को तो मेरे बेटे से बात करनी चाहिए थी। एक दो दिन के लिए तुम्हारे भाई ने बैठाना नहीं चाहा। क्यों? एक दो दिनों के लिए क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन तक दुकान और चलती नहीं, तुम्हारा बेटा सामान के साथ अलमारी भी ये बेच देता। लेकिन देखो, रणवीर कह रहा था मुकुंद बाबू ने एक महीने में एक पैसे का गोलमाल नहीं किया है। उनके पास पैसों की कमी है, अभी तक कोई गोलमाल नहीं किया। लेकिन गोलमाल करने में कितनी देर? काफी देर से बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप कहाँ गए थे? वो नरेंद्र जी के घर में तगादा देने गया था, इसी महीने पैसे दे देंगे कहा था, उनके बहुत पैसे बाकी पड़े हैं। वो देगा देगा, दे देगा। और फिर तकाजे के लिए किशोर या मुकुल को भेजिए, इस उम्र में आप इतनी दौड़ भाग मत किया कीजिए। ये क्या है? हाँ, मतलब मेरी थोड़ी सी जमीन है, उसी के कागजात हैं। लेकिन इसे क्यों लेकर गए थे आप? नहीं, मतलब बेटी की शादी में कुछ पैसे उधार हो गए थे, इसीलिए सोचा जमीन को बेचकर। अगर उधार हो गया है तो मुझे बोल सकते थे उस जमीन को बेचकर? नहीं, मतलब जमीन तो ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं कौन कब जबरदस्ती कब्जा कर ले। चलिए दीजिए, इस हफ्ते का हिसाब मिलाकर मैं यहाँ से निकलूं। हाँ देता हूँ। मुकुंद बाबू, आप जरा एक बार अच्छी तरह गिन कर देखिए तो लगता है मुझसे गलती हो रही है, 1000 कम है। हाँ, कम मतलब जरा याद करके देखिए तो मुकुंद बाबू, इसमें से 1000 रुपये किसी महाजन को दिए हैं क्या? वो पैसे मतलब आप अगर ये दलील अपने पास रख ले। गलती कर रहे हैं मुकुंद बाबू, मैं जमीन बेचने की दलाली नहीं करता। 1000 रुपये बड़ी बात नहीं है मुकुंद। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं, जब पकड़े गए तब ये सब नाटक। नहीं नहीं, मैं बात ये है कि बात कुछ नहीं है, गलती होगी, मुझसे ही गलती होगी। आपके चरित्र के बारे में बिना कुछ जाने ही अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर दी। ले जाइए ये दलील, और अगर इन पैसों की जरूरत है तो इन्हें भी ले जाइए, लेकिन कल से आप इस दुकान में कदम भी मत रखिएगा। नहीं आएगी? नहीं, मैं आपसे कई दिनों से ये कहना चाहती थी, लेकिन टुकू आपके साथ रहती है इसलिए कह नहीं पाती। उसे पढ़ाना है तो उसके घर जाकर पढ़ाइए, उसे मेरे घर में मत लाया कीजिए। टुकू ने तो कोई गलती नहीं की। गलत सही मैं नहीं जानती, उसे अगर आप यहाँ लाएंगे तो मैं आपको भी इस घर में आने नहीं दूंगी। बहुरानी, तुम किसे क्या कह रही हो? गलत तो कुछ नहीं कह रही है, अगर ये नहीं चाहती है तो टुकू इस घर में नहीं आएगी। इस घर में इधर उधर कितना कुछ कीमती सामान है, पढ़ने आने के बहाने से कब क्या उठाकर ले जाएगी? मुकुंद चौधरी की बेटी होकर किसी को चोर कहना ये शोभा नहीं देता। तुम्हारे पापा ने जब रुक क्यों गए? बोलिए ना, मुकुंद चौधरी ने आपका क्या बिगाड़ा है? ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया, बस 1000 रुपए की हेरा फेरी की है। पापा ने? मैं विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कल सुबह अपने पापा से जाकर पूछ लेना। बोलिए पापा, ये झूठ है, आपने चोरी नहीं की है। जब उन 1000 रुपयों का हिसाब ही मैं नहीं दे पाया तब क्या किया आपने उन पैसों का? वो मैं बता नहीं सकता, बस यही कह सकता हूँ कि उन पैसों से मैंने जो किया है वो तेरे भले के लिए ही किया है। भले के लिए? बाप होकर बेटी के ससुराल में चोरी करके उसका सर झुका दिया और कह रहे हैं भले के लिए किया? इतने सारे लोगों के सामने मुझे सुनना पड़ा कि तुम्हारे पापा चोर है। पैसों की अगर इतनी ही जरूरत थी तो क्यों क्यों मेरी शादी करवाई? रातें जाग जाग कर नाटक करके
पैसे लाकर दे रही थी ना आपको, दो वक्त की रोटी के लिए रूपा। सच सच बोलो माँ, तुम्हें भी नहीं पता है कि पापा ने पैसों का क्या किया है। विश्वास कर बेटी, मुझे कुछ भी नहीं पता। पापा मेरे साथ चलिए, आपके खानदान में 300 सालों से जिस देवी की प्रतिमा की पूजा करते आ रहे हैं, उसी देवी के सामने मेरे सर की कसम खाकर कहिए, क्या किया आपने उन पैसों का, बोलिए। मेरी मांग के सिंदूर की कसम आपको, इस पर हाथ रख के बोलिए, क्या किया है आपने उन पैसों ये का। ये तो क्या कह रही है बेटी, मांग के सिंदूर की? हाँ, मेरे मांग के सिंदूर की कसम, पापा को बताना ही होगा, नहीं तो ये सिंदूर। नहीं, नहीं, मैं तुझे बता नहीं सकता, मैं तुझे बता नहीं सकता, मैं तुझे सुखी देखना चाहता हूँ बेटी। सुखी? सुखी और मैं, जिसके पापा चोर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में चोरी की, उस लड़की को तो फांसी लगा लेनी चाहिए। रूपा, ये कैसी अपशगुनी बात कह रही है तू? मैं आप लोगों की इस देवी के सामने कसम खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि पापा ने उन पैसों को क्या किया है, मैं तुम लोगों की सूरत तक नहीं देखूंगी। रूपा, आप मुझे सुखी देखना चाहते थे ना, तो सुन लीजिए, जब तक मैं आपके चुराए हुए 1000 रुपए मैं अपने ससुर जी को ना दे दूं, तब तक मैं अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। अरे रूपा, तुम आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ, बैठो। आप लोगों का नाटक कैसा चल रहा है? तुम्हारे चले जाने के बाद से राम का वनवास का नाटक मैंने बंद कर दिया है, एक अच्छी सीता ही नहीं मिली मुझे। तो क्या आपने ये सब बंद कर दिया है? नहीं नहीं, नाटक बंद कर देने से कैसे चलेगा, अभी मैंने एक आइटम डांस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आइटम डांस? डिमांड कितनी है? थोड़ी बहुत, आज ही तो तुम्हारे गांव के एमएलए की बेटी के जन्मदिन पर हम लोग वहां प्रोग्राम करेंगे। टुकू के जन्मदिन पर? तुम लोगों को भी वहां जरूर बुलाया होगा, क्या देखोगी ना हम लोगों का आइटम डांस? नहीं, देखूंगी नहीं, मैं भी सबके साथ आइटम डांस करूंगी। ये क्या, तुम नाचोगी? हाँ, लेकिन मुझे उसके लिए 1000 रुपए चाहिए। रणवीर बाबू, आज टुकू का जन्मदिन है,
आप इस तरह से चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों ना आप लोग चलकर मेरे कमरे में बैठे। आइए। जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोषा प्यार दिया, हर चोरी करके मुझे कैसा ये कलंक दिया। जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोषा प्यार दिया, हर चोरी करके मुझे कैसा ये कलंक दिया। कलंक उसका धोने को में, कलंक उसका धोने को में, कलंक उसका धोने को में, नाचूंगी आज, सह न पाऊं मैं तो अपने पिता का। घर की बहुरानी होकर सिर्फ कुछ रुपयों के लिए तुम। कुछ रुपयों के लिए नहीं पापा जी, 1000 रुपए ये लीजिए। तुम? मैं एक चोर की बेटी हूँ, मुझे किस बात की शर्म आएगी। तुम्हें भले ही शर्म नहीं है लेकिन मुझे है। भले ही तुम चोर की बेटी हो लेकिन मेरी बहू हो, इस गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है। अपने पापा का सम्मान लौटाने के लिए एक रात के लिए आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ एक रात के लिए नहीं बहुरानी, जिंदगी भर के लिए तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, पापा का उधार चुकाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पैसे यहाँ रखती हूँ।
तुम मेरे लिए अलग से नीचे एक चटाई बिछा दो। आज के बाद तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे मैं नहीं सो पाऊंगा। अच्छा, तुम भी क्या मेरी तकलीफ नहीं समझोगे? दिल पर इतना बड़ा बोझ रखकर मैंने, मुझे नींद आ रही है। जो कह रहा हूं वो करो। जो किया है मैंने किया है, मेरे पापा ने किया है, पर तुमने तो कोई गलती नहीं की है। तुम जमीन पर क्यों सोओगे? मैं सो जाती हूं। ये सारी फोटो, ये सब यहां कैसे आ गई? इसका जवाब मैं तुम्हारे पापा से पूछ कर देती हूं। देख रणवीर देख, मेरी बात सच हुई कि नहीं बता? मैंने तभी तुझसे कहा था, टुकु और तरुण दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी तो शादी करवा दे। आप चुप रहिए बुआ जी। क्यों चुप रहूं? एक लड़की की जब किस्मत फूटती है तो उसे कैसा लगता है, तू कैसे समझेगा रे रघु? क्या हुआ पापा जी, अब आप चुप क्यों हैं? मेरे पापा ने पैसे चोरी किए थे, मैंने सबके सामने बेइज्जती सहकर आपके वो पैसे चुका दिए थे। आपके बेटे ने मेरा जो नुकसान किया है, आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? चुप रहो बहू रानी, तुम चुप रहो। बताइए पापा जी, आप जानते नहीं थे कि आपका आज्ञाकारी बेटा? जानता था, जरूर जानता था, गांव के सभी लोग जानते हैं, और ये नहीं जानेगा? पैसे चोरी करने के लिए आपने मेरे पापा की उस दिन कितनी बेइज्जती की थी, अब अगर सच छुपाने के अपराध में मैं आपके साथ। हाय हाय हाय, ये घटिया काम तूने कैसे किया हरामजादे? घर का नौकर होकर तूने इस खानदान की बहू पर हाथ उठाया? हाथ उठाया? जब ये पहली बार इस घर में बहू रानी बन के आई थी, उस दिन अगर ये मेरे पैर छूती तो इसकी जात जाती, और आज ये बात सुनकर अगर मैं इसे तमाचा नहीं मारता तो फिर मेरी जात चली जाती बुआ जी। चाहे जो भी हो रघु, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया। इन फोटो को देखकर कोई भी लड़की गुस्सा हो सकती है। हाँ, इन फोटो को देखकर अगर ये गुस्सा होती है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी नजरों के सामने मेरे मालिक का बहू होकर ससुर का अपमान कर रही है, ये देखकर मैं अगर गुस्सा होता हूँ तो मेरी गलती है ना? ये मत भूलो रघु, कुछ भी हो लेकिन ये मेरी बहू रानी है, तुम्हारे छोटे मालिक की बीवी है ये। हाँ, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी बड़े साहब, मुझे ये समझ लेना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर मैंने आप दोनों बाप बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं तो नौकर था और नौकर ही रहूंगा, मेरी औकात नहीं बदली बड़े साहब, मेरी औकात नहीं बदली। ठीक है, जो होना था हो गया, अब सारी बात तो मुझे ही संभालनी होगी। रघु, बहू के पैर छूकर माफी मांग। हाँ, माफी मांगने का समय जो आ गया है ये तो मैं बहुत पहले ही जान गया था। माफी तो मैं मांगूंगा ही, बाकी इस बहू रानी के पैर छूकर नहीं। इस बहू रानी के पति को जिन्होंने जन्म दिया है, उस बड़ी बहू रानी के पैर छूकर। बड़ी बहू रानी, एक दिन मैंने आपके दोनों पैरों को छूकर कसम खाई थी कि बड़े साहब और छोटे साहब को छोड़कर मैं इस घर से कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो कसम मैं पूरी नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं, आप ही घर छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे रोकने की कोशिश छोड़कर तुम इस घर में ठीक से रह पाओ उसका बंदोबस्त करो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोई जादू चलाकर बुआ जी ने बहू रानी को वश में कर लिया है। मुझे तो अब डर लग रहा है कि तुम्हें भी उन्होंने अगर मैं अब जा रहा हूं। मैंने कहा ना आप नहीं जाएंगे। आप रुकिए, मैं बुआ जी से बात कर कर आता हूं। छोटे मालिक, छोटे मालिक। लेकिन रघु चाचा, मेरे आने तक आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जाना तो उसे होगा ही, उसकी इतनी हिम्मत कि बहू रानी को उसने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का अधिकार है, इसीलिए थप्पड़ मारा है। अधिकार? मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार एक नौकर को किसने दिया? मैंने दिया है। मुझे डांटने का अधिकार जिन्हें है, उन्हें मेरी बीवी को भी डांटने का पूरा अधिकार है। नहीं नहीं है, एक नौकर को तुम अपने सर पर बिठा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊँ। रूपा, अभी इसी वक्त अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं गई, तो मेरे कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और टुकू के लिए खुला रहेगा। ये फोटोज देखने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ? आज हो या कल तुम्हारे कमरे का दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो ही जाएगा। क्यों? तुम इस घर को छोड़कर क्यों जाओगी? तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, और इसका कमरा बंद हो गया तो क्या हुआ? मेरा कमरा तो खुला है, तुम मेरे कमरे में रहोगी। हाँ बहू रानी, तुम इसके हाथ में हो, मतलब पूरा परिवार इसके हाथ में। हाँ तो क्या, घर की लक्ष्मी का अपमान तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ आकर ही तो पता चला कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। तो तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगी? कह दिया ना, नहीं। ठीक है। रुको, ये सब रखकर मैं क्या करूंगी? ले जाओ। क्या हुआ, कुछ बोलो। राखी पूर्णिमा के दिन इसके हाथों राखी बांध के बाकी सबसे जीत कर भी रूपा से हार जाओगी, ये बात तुम मान नहीं सकी है ना? इसलिए एक लड़की होकर एक लड़की का सर्वनाश करने के लिए क्या सोच रही हो? हाँ, घर की बहू रानी पति का कमरा छोड़ के बुआ के कमरे में चली गई, और जिस इंसान ने इतने दिन इस घर को संभाला उस रघु चाचा को घर से निकाल दिया गया। रघु को निकाल दिया है, अब इस घर से एक और शैतान को निकालना है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचने के लिए इतना समय आप क्यों ले रहे हैं मास्टर जी? ये क्या सोचेंगे? सोचूंगी मैं, मेरी बात बहू रानी को सुननी ही पड़ेगी, सुनने के लिए मजबूर है। क्यों, आपकी बातें बहू रानी को क्यों सुननी होगी? ये मैं आपको क्यों बताऊं? बुआ जी मेरा भला चाहती हैं। वो जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मंच पे खड़ी होकर तुम सीता बनकर राम के लिए रोई थी, मुझे डर है कि जिंदगी में भी तुम्हें वैसे ही ना रोना पड़े। आप अपनी स्टूडेंट की वकालत करने मेरे पास आए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आया हूँ तुम्हें एक अच्छी खबर दे। वो अच्छी खबर क्या है बताइए? मैं कल से इस घर में नहीं आऊंगा। सच में ये एक अच्छी खबर है। और हाँ, तुम्हारे लिए और एक अच्छी खबर है, टूकू के साथ बहुत जल्द बिट्टू की शादी होने वाली है, और वो एमएलए साहब वो बहुत जल्द आएंगे तुम्हारी बुआ जी के पास बात पक्की करने के लिए। आइए आइए, मैंने बहू रानी के मुंह से सुना है कि आप आएंगे। मैंने सुना बहू रानी ने तरुण के साथ झगड़ा वगड़ा करके यहाँ डेरा जमा लिया है। आपने ऊपर आते वक्त देखा नहीं? नहीं तो? वो नीचे वाले कमरे में अपने फूफा जी से बात कर रही है। फूफा जी, आपके बेटे की शादी की बात चल रही है और आप नहीं जाएंगे? नहीं, उसकी माँ है, वही बात करेगी, मैं कुछ बोलने की जगह कुछ और बोल दूंगा। बहुत खांसी हो रही है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। टेबल के ऊपर मेरी खांसी की दवाई है, तुम अगर मेरे लिए ला देती। हाँ अभी लाती हूँ। रोज ही सोच रहा हूँ एक बार आपके यहाँ आऊं, मेरी बेटी टुकू के साथ बिट्टू की शादी की बात करूंगा, लेकिन मारे शर्म के और कुछ कह नहीं पाया। शर्म?
कैसी शर्म? नहीं मतलब टुकू के साथ तरुण की फोटोज तो आपने देखी हैं। वैसे फोटोज देखने के बाद कोई माँ बाप अपने बेटे के साथ क्या मेरी बेटी की शादी करेंगे? धत, मम्मी पापा वो फोटो देखकर गलत क्यों समझेंगे? वो फोटो तो मैंने खींची थी। तुमने खींची थी? हाँ, आप जब तरुण के साथ टुकू की शादी कराना चाहते थे तब तरुण के मास्टर और बुढ़े चाचा रघु किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे। जब तरुण किसी भी तरह टुकू के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तब मैं उसे फंसाने के लिए बहला फुसला के नदी के किनारे ले गया। उसके बाद मेरे कहे मुताबिक टुकू तरुण को जबरदस्ती पकड़ के गाना गाने लग गई और मैं भी पेड़ के पीछे से छुपकर उनकी फोटो खींचने लग गया। टुकू को पता था तुम फोटो ले रहे हो? नहीं, अगर भविष्य में कभी काम आए यही सोच के ही मैंने फोटो खींची थी। लेकिन टुकू ने ही सब गड़बड़ कर दी। आपके और माँ के मुँह में कालिक पोत के राखी पूर्णिमा के दिन तरुण के हाथ में राखी बांधकर उसका आशीर्वाद लेने लगी। तो इतना दिमाग लगा के फोटो लेना तुम्हारे काम ही नहीं आया? इसके काम में नहीं आया लेकिन मेरे काम में आ गया। वो कैसे? मैंने तो इससे कहा ही था, उन तस्वीरों में से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं ऐसी कुछ तस्वीरें बहुरानी के तकिए के नीचे रख दे जिससे बिस्तर ठीक करते समय उसके ही हाथ में लगे। क्या दिमाग है आपका? मेरी पार्टी को अगर आप मिल गई तो हाथों हाथ लेंगे। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। माँ ने तरुण से रूपा को दूर किया है और माँ ने मेरी वजह से रूपा को उसके पापा से दूर कर दिया है। अरे तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? मैंने सुना दुकान से उन्होंने 1000 रुपया चोरी किया। नहीं नहीं, चोरी उन्होंने नहीं की, पर मैंने ऐसा आइडिया माँ को दिया था कि चोरी किए बिना भी हम लोगों ने उन्हें चोर बनने पे मजबूर कर दिया। कैसे? एक दिन दोपहर को दुकान के सारे कर्मचारी जब खाने गए थे मैं भी ठीक उसी वक्त दुकान में गई। आप आइए आइए बैठिए। नमस्कार, सुनिए मैं एक मुसीबत में पड़ के आपके पास आई हूँ। मुसीबत? रूपा मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी बेटी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। शुक्र है भगवान का। अब आप मुझे बचाइए तो मुझे 1000 रुपए अभी उधार दीजिए। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से लाएंगे मतलब? दुकान में क्या 1000 रुपए नहीं है? नहीं मतलब रणवीर जी को बिना बताए मैं दुकान के पैसे कैसे दूं बताइए? आप तो उनसे एक चिट्ठी लिखवा के ला सकती थी, मैं दे देता। उससे पैसे लेने में असुविधा है तभी तो आपके पास आई हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ वो मैं दे दूंगा। रणवीर जी हर शनिवार को हिसाब लेने आते हैं, आप शनिवार तक पैसे वापस कर देंगी ना? कह रही हूँ तो दे दूंगी। याद रहेगा ना, शनिवार तक। वो तो रहेगा, अगर किसी कारण से मैं शनिवार तक नहीं दे पाई तो आप ही संभाल लीजिएगा। सुनिए सुनिए, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? वो आपको जो समझ में आए आप कीजिए। सुनिए, अगर मेरे भाई को पता चला कि ये रुपया मैंने लिया है, ठीक उसके कुछ देर बाद ही आपके कान तक भी एक खबर आएगी कि आपकी बेटी रूपा को मैंने छल चतुराई से घर से निकाल दिया है। नहीं, दुहाई आपकी, दुहाई आपको। आप रूपा के साथ कुछ मत कीजिएगा। अगर आप पैसे ना लौटा पाए तो कोई बात नहीं, मेरी जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर मैं रणवीर जी के पैसे लौटा दूंगा। कितना अच्छा आइडिया था, बोलिए। बाप बेटी भी अलग हो गए और माँ को 1000 रुपए का फायदा हो गया। इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने। तुमने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए और मैंने लगाया। रमन जी हिसाब दे दीजिए ना। बहुरानी ने इनकी सारी बात सुन ली है ना? हाँ, बिट्टू के तीर से घायल होकर चिड़िया मतलब बहुरानी वो तो मेरी आंखों के सामने से उड़ के चली गई। बहुरानी ने अगर इनकी बात नहीं भी सुनी होती, सुनाने का इंतजाम मैंने करके रखा था। इस विदेशी टेप रिकॉर्डर में माँ बेटे की सारी बात रिकॉर्ड हो गई है। देवानंद जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए।
उन्होंने दवाई लाने के बहाने सही वक्त पर रूपा को ऊपर भेज दिया ताकि वो सारी बातें सुन ले। लो, नाटक तो खत्म हो गया, अब सब सामान वामान बांधना शुरू करो। क्या, रघु रहने से तो वो सब कुछ कर देता, उसको तो भगा दिया, अब नौकर का काम माँ बेटे को करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो तुमने भी इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया? हाँ मिलाया। घर का भेदी लंका ढाए। आहा, गुस्सा क्यों होती हो? रामायण में राम और सीता जैसे चरित्र है, वैसे ही केकई, सूर्पनखा और घर के दुश्मन विभीषण के जैसे भी चरित्र है, सबको मिलाकर ही तो रामायण बनी है। हाँ, रामायण में ये भी लिखा है, अंत तक राम और सीता का मिलन नहीं हुआ, यहाँ भी मैं वो होने नहीं दूंगी। होता कि नहीं देखी? मैंने कहा तो नहीं होगा, आप सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसी एक सीमा रेखा खींच कर रखी है कि उस रेखा को पार करके आपकी वो सीता मतलब बहु रानी किसी भी हालत में पार नहीं कर पाएगी। पार कर सकती है या नहीं वो बाद में देख लेंगे, अभी तैयार हो जाइए स्टेशन जाने के लिए। एकुली। मुकुल बाबू, आप? राजू गोपाल जी, आप? माँ, पापा कहाँ हैं? बोलो ना, पापा कहाँ हैं? स्टेशन गए हैं। स्टेशन गए? लेकिन क्यों, क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम, बोलो ना। तेरे पापा अब कूली का काम करते हैं, स्टेशन गए हैं बोझ उठाने। इस उम्र में, ऐसी हालत में पापा बोझ उठाते हैं? रुपए चोरी के इल्जाम में तेरे ससुर जी ने जब उन्हें दुकान से निकाल दिया, उसके बाद कुछ दिन तो भगवान के सामने बैठकर बहुत रोए। आप तो देवी हैं, ये परिवार आपकी 300 सालों से पूजा करता आ रहा है। इंसान इतना कठोर हो सकता है, लेकिन आप? तू विश्वास कर बेटी, तूने अपने पापा को कितना पहचाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने पति को पहचानती हूँ। आज इस भगवान के सामने खड़े होकर मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कह सकती हूँ, मेरा पति चोरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। माँ, अरे सुनती हो? आइए आइए आइए, राजू गोपाल जी आइए आइए, बैठिए। अरे ओ रूपा की माँ, कहाँ हो, जल्दी आओ, अरे देखो कौन आए हैं। तू यहाँ अपने चोर बाप से मिलने आई है बेटी? तूने तो अपने सिंदूर की कसम खाई थी, अपने चोर बाप की शक्ल तक नहीं देखेगी। जब आपने चोरी नहीं की थी तो सच क्यों नहीं बताया? मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है, मैंने दुकान से 1000 रुपए चुराए हैं। नहीं, आपने चोरी नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है चोरी, सिर्फ मेरी भलाई के लिए आपने, बुआ जी के डर से आपने सबके सामने अपने आप को चोर साबित कर दिया। बोलिए बोलिए ना, बोलिए ये सच है कि नहीं? ये क्या कह रही है तू? मैं उस दिन मैंने आपका कितना अपमान किया, बुआ जी मुझे उस घर से निकाल ना दे इसलिए आपने सब कुछ चुपचाप सह लिया, आपने कितना कुछ सहन किया। चुप कर बेटी, ये बातें किसी को मत बताना, अगर बुआ को पता चला तो वो उसी वक्त तुझे अपने घर से निकाल देगी। मैंने चोरी की है बेटी,
मैंने समझे राजू गोपाल जी, आप अपने लोगों को बताइएगा उनकी सीता के पिताजी ने दो वक्त की रोटी के लिए 1000 रुपए चुराए हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है पापा। राजगोपाल, राजगोपाल कौन है? आप किसे किस नाम से पुकार रहे हैं? अरे तू अपने नाटक दल के मैनेजर को ही भूल गई। नाटक दल के मैनेजर? हाँ यही तो है राजगोपाल जी, मेरी बीमारी के वक्त जिनके हाथों तूने चिट्ठी और पैसे भिजवाई थी। रघु चाचा आप उस दिन यहाँ राजगोपाल बनकर? छोटे साहब ने ही मुझे यहाँ राजू गोपाल बनाकर भेजा था। ग्रीन रूम के बाहर से ही उसने तुम्हारी सारी बातें सुनकर तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी को हाथों में देकर, छोटे मालिक ने मुझसे कहा जहां से भी हो पैसों का इंतजाम करके बड़े साहब के पास मेरी पगार के बहुत सारे पैसे जमा थे, उसी में से 1000 रुपए लेकर तुम्हारे पिता के हाथों में देकर मैंने इतना सारा पुण्य कमाया। आपने पुण्य कमाया और मुझे पाप की तरफ धकेल दिया। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? मैं क्या तुम्हें पाप के अंधेरे में धकेल सकता हूँ? मैं अब चलता हूँ, शाम की गाड़ी के आने का वक्त हो गया है। रघु चाचा इतने सालों से उस घर का बोझ उठाकर भी बोझ उठाने से आपका मन नहीं भरा, मारिए ना रघु चाचा। आप मेरे इस गाल पर भी एक थप्पड़ मारिए ना रघु चाचा। उस दिन आपने मेरे इस गाल पर थप्पड़ मारा था, इस गाल पर नहीं मारा, इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शिव के समान पति पाकर भी मैं उन्हें संभाल कर नहीं रख सकी, पिता समान ससुर पाकर भी मैं उनकी सेवा नहीं कर सकी। मारिए ना रघु चाचा। ये तुम क्या कर रही हो बहू रानी? छोटे मालिक की पत्नी होकर तुम घर के नौकर के पैरों को हाथ लगाओगी? आशीर्वाद दीजिए आप मुझे बहू रानी। जिस दिन उस घर में बहू बनकर गई थी उस दिन आपका आशीर्वाद ना लेकर जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित मुझे नहीं करने देंगे रघु चाचा। मैं तो आपके सबसे प्यारे छोटे साहब की पत्नी हूँ। उठो उठो बेटी बेटी, बेटी बेटी, बड़ी मालकिन, मेरे आशीर्वाद से कोई काम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आप जहां कहीं भी हो इस छोटी बहू रानी को आप आशीर्वाद दीजिएगा ताकि ये सुखी रहे। बड़ी मालकिन, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। पापा, मैं रघु चाचा को लेकर जा रही हूँ, लेकिन आज से आप कूली का काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं जाइएगा, मैं भले ही उस घर का नौकर हूँ लेकिन बड़े मालिक मेरी बात मानते हैं। मैं बड़े मालिक की तरफ से आपको कहता हूँ, आप कल से फिर उस दुकान में जाइएगा। लेकिन मैं... रघु चाचा को मना मत कीजिए पापा। देखा नहीं उनका अपमान करके आज मेरी क्या हालत है। जल्दी से एक रिक्शा बुलाइए रघु चाचा, अभी मुझे बहुत लोगों से माफी मांगनी बाकी है। माफी? किस बात की माफी? एक हंसते खेलते सुखी परिवार को आपने जला के राख कर दिया और अब आप माफी मांगने आई हैं? चली जाइए, इसी वक्त आप हमारे घर से चली जाइए। ए भाई, तू कुछ कहेगा नहीं? तेरे सामने ही है मुझे। मैं इसे कुछ नहीं बोल पा रहा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
जिस बात को तुम्हारे छोटे भाई को कहना चाहिए था वो बात उसका बेटा कह रहा है। दीदी को घर से निकल जाने को कहने से एक बेटा अपने बाप को बचा रहा है। चलिए आप लोग सब तैयार हो जाइए ताकि रूपा इस घर में आके देखे कि उसके पति ने आज तक कुछ किया हो या ना हो, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो तरुण भैया? टुकू, हमारे परिवार के मामले में तुम दखलंदाजी मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं कुछ कहने का। है इस परिवार से जो लोग प्यार करते हैं, जो इस परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं, इस परिवार के मामलों में बोलने का अधिकार उन सबका है। लेकिन इसका मतलब टुकू, राखी पूर्णिमा के दिन उसकी दी हुई राखी बांधकर भी उसके और तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते को तुम अस्वीकार कर सकती हो, लेकिन अपनी ननद के साथ अपना प्यारा सा रिश्ता मैं नहीं तोड़ना चाहती। ये तुमने क्या किया रूपा? हिम्मत तो बहुत है तुम में, मुझे नाम से बुला रही हो, भाभी बोलो, भाभी। बुआ जी जानती हैं, हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है, नई बहू जब घर में आती है तो अपनी ननद को कुछ तोहफे में देती है। आज तक नहीं दे पाई, मेरी ही गलती थी। आज फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए। तुम कैसी हो बहू रानी? इतना कीमती हार अपनी ननद रहते हुए भी तुम मुंह बोले ननद को दे रही हो? अपनी ननद को कुछ नहीं दोगी? दे सकती है, लेकिन गले में नहीं, गाल पे एक थप्पड़। रघु चाचा, एक काम करिए तो, जल्दी से बुआ के घर का सारा सामान पैक करके इन्हें स्टेशन छोड़कर आइए। क्यों, बुआ जी जा रही हैं क्या? हाँ, मैंने बुआ जी को कहा है, आज ही इन्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। क्यों? अजीब है ये, तुम पूछ रही हो क्यों? जिनकी वजह से तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा, बिना चोरी किए तुम्हारे पापा पर चोरी का इल्जाम लगा। फिर भी बुआ जी इस घर से नहीं जाएंगी। मुझे पता था बहू रानी आएगी तो मुझे इस घर से कभी नहीं जाने देगी। इसके घर की 300 साल से जागृत देवी के सामने अपने पिताजी के सर पर हाथ रखकर इसने जो कसम खाई है, वो कसम ये कभी भी नहीं तोड़ पाएगी। हाँ, पत्थर की मूर्ति के सामने ली हुई कसम आज मैं अपने ससुर जी के पैरों को छूकर तोड़ने जा रही हूँ। उस कसम के डर से मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये आप कभी मत सोचिएगा। जिस घर में रहकर आपने एक के बाद एक पाप किए हैं, उसी घर में रहकर उन पापों का प्रायश्चित आपको करना ही होगा। मुझे क्या करना होगा बताओ? मैं सब करूंगी। इस परिवार को संभालने के लिए पापा जी आपको यहाँ लेकर आए थे। आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं। आप ही सबको बताएंगी कि ये परिवार कैसे चलेगा। रूपा, तुम जैसी भी हो, ये तुम्हारी बुआ है। अगर इनसे गलती हो गई है तो मुझसे भी तो गलती हुई है ना। बोलो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई? सबकी गलती को अगर माफी मिल सकती है तो फिर बुआ जी अकेले सजा क्यों भुगते? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अपने हाथों से खाना बनाकर बहू रानी को खिलाकर पाप का प्रायश्चित करना शुरू करूंगी। तुम अपने हाथों से खाना बनाओगी? इतने सारे अच्छे लोगों के साथ रहकर चाह कर भी अब बुरी नहीं बन पाऊंगी मैं। बहू रानी मुझसे बहुत छोटी होकर भी उसने आज जो सजा मुझे दी है। जाओ तो फिर रसोई घर में जाओ। बताओ बहू रानी, तुम आज क्या खाओगी? चिकन कटलेट।
अरे नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं, बुआ जी बना पाएंगी ना। वो तो आता है, लेकिन चिकन कहाँ मिलेगा? जहाँ चाहे वहाँ राह है। देखो देखो, एक दर्जन लेके आया हूँ। आज हम लोग सब एक साथ बैठकर खाएंगे। चलो सब चलो। लो लो पकड़ो। अरे दीजिए दीजिए, लाइए लाइए।